ने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने। कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत जरूरी समझते हैं, पर व्हाई? आसान रास्ता क्यों नहीं चुनते? क्या बुराई है उसमें, खास करके जब उस मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार ही नहीं है। बेकार के पहाड़ क्यों चुन? इसी कोशिश में लगा रहता हूं कि सालों बाद मेरे बेटे के पास कोई तो अच्छी याद। ये कहानी मैंने शुरू की थी तो अंत का जश्न होना चाहिए क्योंकि हर नई शुरुआत के ठीक पहले अंत ही होता है। Stay abroad. तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहां अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है कुछ। पुलिस स्टेशन फोन लगा दो रात हवालात में गुजारेगा ना, जब तू ठीक जाने की सोचेगा ना। सानो यार, तो इतना हंसी आती, गुस्सा आता है, रोना आता है, फैमिली है, जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी, खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। यहाँ वहाँ दिल है ट्रैफिक के इर्द गिर्द घूमती है। दुबई में फैंस से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है और दुबई को अपना
दूसरा घर बना लिया है। भारत बांग्लादेश उपमहाद्वीप के बाकी हिस्सों में से आप में से बहुत से लोग पाकिस्तान से यहाँ आए हैं और श्रीलंका अब आप सभी घर से बहुत दूर हैं, लेकिन आपने एक नया घर ले लिया है। फिर भी आपको अपने घर से गहरा प्यार है और वापस जाने की लालसा है। ये पूरी फिल्म घर के बारे में बात करती है, जहाँ दिल है। शाहरुख खान ने यह भी कहा है कि इस फिल्म को देखने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, बच्चों को लेकर जाएं, घर वालों के साथ जाएं। इसमें बहुत खूबसूरत बातें हैं। डंकी को मिला UA सर्टिफिकेट। बता दें कि डंकी को पिछले हफ्ते CBFC द्वारा मंजूरी दे दी गई है और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ UA सर्टिफिकेट दिया गया था। फिल्म की ड्यूरेशन 161 मिनट है। पठान और जवान में बैक टू बैक एक्शन ब्लैकबस्टर के साथ ये शाहरुख खान की 2023 की तीसरी और आखिरी रिलीज है। राजकुमार हीरानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तापसी पन्नू, विक्की कौशल, बोमन ईरानी, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर ने अहम रोल प्ले किया है। ये फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमाई घरों में दस्तक देने के लिए है तैयार। शाहरुख खान की फिल्म डंकी 2023 अगले साल को शानदार बनाने के लिए शाहरुख खान अभी से तैयारियों में लग गए हैं। वो दुनिया भर में अपने फैंस के साथ कनेक्ट बना रहे हैं तो ऊपर वाले से दुआ भी मांग रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया और सिनेमा और समारोहों में अपनी फिल्मों को लेकर बात करनी शुरू कर दी है ताकि लोगों में उत्साह और उत्सुकता पैदा हो। 2023 में शाहरुख खान की पठान, जवान और डंकी रिलीज होने वाली है। पठान और जवान तो एक्शन थ्रिलर है, यह सबको पता है कि, लेकिन शाहरुख खान ने खुद डंकी के बारे में लोगों को बताया है कि आखिर ये फिल्म शाहरुख खान के खुलासे के बाद डंकी की कहानी पर बातें होने लगी हैं। शाहरुख खान आने वाले शानदार साल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और वो दुनिया भर में अपने फैंस के संपर्क में अपने फिल्म का सक्सेस के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लोग उनमें उत्साहित और रुचि रखते हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया और कार्यक्रमों में अपनी फिल्मों के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। शाहरुख खान की फिल्में पठान, जवान और डंकी 2023 में आएंगी। हर कोई जानता है कि पठान और जवान एक्शन कहानियां हैं, लेकिन शाहरुख खान ने लोगों को बता दिया है कि फिल्म डंकी किसके बारे में है। शाहरुख खान के इंटरव्यू के बाद लोग डंकी की कहानी के बारे में बात करने लगे हैं। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए सऊदी अरब में मौजूद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी फिल्म को अंग्रेजी में डंकी कहा जाएगा, लेकिन भारत में यहाँ ये किरदार दिखाया गया है कि इसे डंकी लिखा जाएगा। इस कहानी से पंजाब जुड़ा हुआ है और पंजाब के लोग डंकी बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि फिल्म एक ही समय में कॉमेडियन इमोशनल से भरी हुई है। ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जो अपना देश छोड़ देते हैं लेकिन वो अपने देश में वापस आ जाते हैं। समाचार सूत्रों के अनुसार फिल्म में शाहरुख खान एक पंजाबी व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं लेकिन उसके पास सही कागजात नहीं हैं। ऐसे में वो गुपचुप तरीके से डंकी फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। डंकी फ्लाइट की उड़ान का मतलब है कि किसी देश में चुपचाप घुसना और रास्ते में छोटे शहरों में रुक कर वहाँ पहुँचना। यह तब होता है जब पर्यटक वीज़ा वाला कोई व्यक्ति एक देश छोड़कर बिना अनुमति के दूसरे देश में चला जाता है। इन रास्तों का इस्तेमाल हर साल लाखों लोग एक से दूसरे देश जाने के लिए करते हैं। डंकी में SRK इस तरह के आदमी की भूमिका निभाते हैं लेकिन वो कनाडा से घर वापस जाना चाहते हैं। डंकी दिखाता है कि इससे क्या समस्याएं पैदा होती हैं और क्या वो भारत वापस आ सकता है। फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी राजकुमार हीरानी के पास है। ये फिल्म 22 दिसंबर को आएगी। शाहरुख खान अभी शूटिंग में व्यस्त हैं। जब राजकुमार हीरानी की अब तक की फिल्मोग्राफी पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि उनकी ज़्यादातर फिल्में सामाजिक समस्याओं के बारे में हैं। खासकर वे जो लोग बुरी बातों या विचारों पर सवाल उठाते हैं। लोगों को यह भी लगता है कि डंकी इस सीरीज की सामाजिक समस्याओं पर बनी फिल्म हो सकती है। शाहरुख खान के फैन अपने पसंदीदा अभिनेता को लेकर पहले से ही कहीं ज़्यादा उत्साहित होते हैं। वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदी फिल्म के सबसे मशहूर निर्देशकों में से एक हैं राजकुमार हीरानी। अपनी अगली फिल्म डंकी बना रहे हैं। हीरानी ने पहले कभी शाहरुख खान की फिल्म का निर्देशन नहीं किया। यह फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। इसका मतलब है कि निर्देशक और स्टार क्रिसमस के आसपास फिल्म को रिलीज करके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। फैन अभी भी जानना चाहते हैं कि फिल्म के शीर्षक का क्या मतलब है और यह कहानी से कैसे संबंधित है। तो जब राजकुमार हीरानी
फिल्म का शीर्षक चरित्र या चित्र स्पष्ट करते हैं तो कहानी उन लोगों के बारे में है जो बिना अनुमति के दूसरे देश में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तस्वीर में कई लोग रेगिस्तान से गुजर रहे हैं भले ही वहाँ बहुत गर्मी हो। इसके अलावा शब्द डंगी रेत के टीलों के आकार में देखा जा सकता है और इसने 120 करोड़ रुपए के बजट पर बनी फिल्म है जिसके उत्पादन और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 400.37 करोड़ यूएस 50 मिलियन से अधिक की कमाई की है। यह 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है जिसे 2023 की नवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की 29वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी है। तो फैंस बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो सन 2020 में वृद्ध मनु रंधावा यानी कि तापसी पन्नू लंदन के एक अस्पताल से भाग जाते हैं और एक आवर्जन वकील पूर्व पटेल यानी कि देवेन भोजानी से मिलते हैं और वह उससे अपने पूर्व प्रेमी हरदयाल हांडी यानी कि सिंह ढिल्लो यानी कि शाहरुख खान से मिलने में सहायता का अनुरोध करती हैं। पंजाब के लाटू में एक वृद्ध हार्डी 25 साल बाद मनु का फोन पाकर बहुत खुश है और वह उसे दुबई में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीजा नहीं मिल पा रहा है। सन 1995 में मनु और उसके दोस्त बुग्गू यानी कि विक्रम कोचर और बल्ली लाटू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवास करने के लिए उत्सुक हैं। करीब और अशिक्षित विभिन्न तरीकों की कोशिश करने के बावजूद वीजा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। एक दिन हांडी एक पूर्व सेना अधिकारी उनके गांव में आते हैं और मनु के भाई महिंदर ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी और वो अपना निजी सामान वापस करने के लिए वापस आ गए हैं लेकिन उसे पता चला है कि महिंदर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है जिससे मनु और उसके परिवार की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचने में मदद करने का वादा किया और उन्होंने बताया कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके का छात्र वीजा प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसीलिए गीतू गुलाटी यानी कि बोमन ईरानी द्वारा पढ़ाए जाने वाले IELTS कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है सुखी यानी कि विक्की कौशल से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका को बचाने के लिए लंदन में बसना चाहता है जिसकी शादी एक NRI व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण करता था और अंत में बल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है और बाकी सभी असफल हो जाते हैं। एक बार लंदन में बल्ली ने एक बड़े घर और एक कार के सामने अपनी तस्वीर भेजी जिससे भारत में उसके दोस्तों और परिवार को विश्वास हो गया कि उसने ब्रिटेन में कुछ बड़ा कर लिया है और वो खुशी को यह बताता है कि खुशी के IELTS में असफल होने के बारे में जानने के बाद उसकी पूर्व प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली है जिसके कारण सुखी ने आत्मदाह कर लिया और आहत होकर हांडी ने मनु और बग्गू को डंकी मार्ग से स्वयं लंदन ले जाने का वादा किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान और तुर्की के माध्यम से एक विश्वासघाती यात्रा के बाद जिसके दौरान उनके 3 यात्री मारे गए थे और हार्डी ने मनु को यौन उत्पीड़न से बचाया और अंत में वह लंदन पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात बल्ली से होती है जो एक जीवित मूर्ति के रूप में काम कर रहा है। बल्ली उन्हें अपने साथ उस स्थान पर ले जाता है जहां वो रहता है जहां उन्हें एहसास होता है कि उसने जो तस्वीरें भेजी थी वो झूठी थी और वो वास्तव में यूके में अकेले रहा है और अन्य कई अवैध लोगों के साथ एक छोटा सा जर्जर घर साझा करता है और अप्रवासी चारपाई बिस्तरों में सोते हैं और पुलिस और अप्रवासन अधिकारियों द्वारा खोजे जाने के लगातार डर में रहते हैं। उनकी मुलाकात एक वकील पूर्व पटेल से होती है जो मनु को यूके की नागरिकता पाने के आसान तरीके के रूप में दिखावटी विवाह करने की सलाह देता है और मनु सहमत हो जाता है और एक ड्रग एडिक्ट से शादी कर लेता है। मनु सहमत हो जाती है और एक ड्रग एडिक्ट से शादी कर लेता है। चर्च में रहते हुए ड्रग एक्टिव द्वारा मनु को चूमने की कोशिश से हार्डी क्रोधित हो जाता है और वे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जिसके कारण उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत में पूर्व उन्हें यह दावा करके देश में रहने के लिए शरण का अधिकार मांगने की सलाह देता है कि भारत में उनका जीवन खतरे में है और एक पूर्व सेना अधिकारी के रूप में हांडी अपने देश के साथ विश्वासघात करने से इनकार करते हैं लेकिन बाकी लोग शरण पाने और इंग्लैंड में बसने के साथ साधन के रूप में सहमत होते हैं। हार्डी को जल्द ही भारत वापस भेज दिया जाएगा
जबकि बाकी ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं। शुरू में लिविंग स्टैचू के रूप में काम कर रहे थे। वर्तमान समय में मनु हार्डी से कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है क्योंकि वह ब्रेन ट्यूमर से मर रही है। वह कार्गो कंटेनरों के माध्यम से भारत के लिए रवाना होने की कोशिश करते हैं। वह अंत में आव्रजन अधिकारियों को यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाते हैं कि वह अवैध रूप से लंदन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक थे और इस प्रकार उन्हें भारत भेज दिया जाता है। एक बार जब वे लाटू पहुंचते हैं तो मनु यह जानकर हैरान रह जाती है कि हांडी ने उनके प्यार के कारण कभी शादी नहीं की। हांडी द्वारा उसे प्रपोज करने के कुछ समय ही बाद मनु की बीमारी से मृत्यु हो जाती है और दिवाली की शाम को आतिशबाजी देखते हुए दिल टूट गया। हांडी ने उसके हाथों में सगाई की अंगूठी डाल दी और उसे गले लगा लिया। हाथों में सगाई की अंगूठी डाल दी और फिल्म का उपसंहार के साथ समाप्त होती है कि लगभग 140 साल दूसरे देशों की यात्रा के लिए कोई वीजा नहीं किया जाता था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो हरदयाल हांडी सिंह ढिल्लों के रूप में शाहरुख खान हैं और मनु रंधावा के रूप में तापसी पन्नू जी हैं। सुखी के रूप में विक्की कौशल हैं और गीतेंद्र गित्तू गुलटी के रूप में और बोमन ईरानी हैं। विक्रम गोचर बलिंदर बुग्गू यानी कि लखनपाल के रूप में हैं और अनिल ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में हैं। ज्योति सुभाष बुग्गू की दादी के रूप में हैं और देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु पटेल के रूप में हैं। मनु के पिता के रूप में मनोज कांत हैं और मनु के बड़े पिता के रूप में अरुण बाली हैं। मनु की मां के रूप में अमरदीप झा हैं। मनु के भाई महेंद्र रंधावा के रूप में सुहेल जरगर हैं और गुलाब नागरा के रूप में विष्णु कौशल हैं। रोहितास गौड़ लाटू में फर्जी वीजा एजेंट के रूप में हैं। भारतीय डंकी एजेंट के रूप में जितेंद्र हुड्डा हैं और सऊदी अरब की डंकी एजेंट बाकिर के रूप में शाहिद लतीफ हैं और बुग्गू के पिता के रूप में महावीर भुल्लर हैं और बुग्गी की मां के रूप में शमना शैंड हैं और बल्ली की मां के रूप में जितेंद्र कौर हैं। जेमी हुईल और एक ब्रिटिश न्यायाधीश के रूप में हैं और अतिला अरपा आनंद और लंदन में बुग्गू के प्रबंधक के रूप में हैं। लाटू स्टेशन पर चोर के रूप में निखिल रतन पारखी हैं। सांझा विक्रम सिंह एक दुकान खरीदार के रूप में हैं। लाटू स्टेशन पर सहयात्री के रूप में गुरप्रीत गुग्गी हैं। इन्होंने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में। तो सन 2020 के अंत में यह भी बताया गया था कि राजकुमार हिरानी अपने अगले निर्देशन के लिए शाहरुख खान के साथ सहयोग करेंगे। हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शाहरुख खान को कहानी सुनाई। ये फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग था। खान ने खुलासा किया कि हिरानी ने उन्हें अपनी फिल्मों में मुन्ना भाई MBBS 2003 और 3 Idiots 2009 में भूमिका की पेशकश की थी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी हो गई और अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा की गई थी। तो हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया। सिनेमेटोग्राफी अमित राय को पहले चुना गया था लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी और उनकी जगह CK मुरलीधरन को मिला था। लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और 3 Idiots और PK 2014 के बाद ये हिरानी के साथ उनका चौथा सहयोग था। रिपोर्टरों के अनुसार मानुष नंदन अमित राय और कुमार पंकज को फिल्म में छायाकार के रूप में काम करने का अवसर मिला था। तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। तापसी पन्नू को जनवरी 2021 में मुख्य महिला के रूप में चुना गया था जो शाहरुख खान के साथ उनका पहला ऑन स्क्रीन सहयोग थी। शाहरुख खान की रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म बदला 2019 का निर्माण किया और विक्की कौशल को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। बोमन ईरानी अक्टूबर 2022 में कलाकारों में शामिल हुए और प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी मुंबई में। मुंबई शेड्यूल जून 2022 में समाप्त हुआ और अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल जुलाई 2022 में शुरू हुआ। फिल्मांकन जुलाई 2022 में बूडापेस्ट और लंदन में हुआ था और एक महीने के बाद पूरा हुआ था। शाहरुख खान की विशेषता वाला एक बाइक अनुक्रम अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था और नवंबर 2022 में सऊदी अरब में 12 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था जिसमें जद्दा और नियोम स्थान शामिल थे। दिसंबर 2022 में जबलपुर मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। जनवरी 2023 में शाहरुख खान की विशेषता वाला अंडर वाटर सीक्वेंस मुंबई में फिल्माया गया था। इसी बीच खान जो एक अन्य प्रोजेक्ट जवान पर भी काम कर रहे थे अप्रैल 2023 में अपनी शूटिंग पूरी की और उसी महीने टीम 4 दिवसीय कार्यक्रम के लिए कश्मीर चली गई थी जो श्रीनगर पंपोर सोनमार्ग सहित थसजावास गोलियस और पुलवामा में हुई।
गणेश आचार्य द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और एक गीत अनुक्रम कश्मीर में फिल्माया गया था। फिल्मांकन अप्रैल 2023 तक सोनमार्ग कश्मीर में पूरा कर लिया गया था। फिल्म की शूटिंग 75 दिनों में की गई थी जिसमें शाहरुख खान 60 दिनों तक शूटिंग की थी। कथित तौर पर फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपये है जिसमें मार्केटिंग लागत भी शामिल है और इस फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम द्वारा रचित है जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमन पंत द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक लुट पुट गया 22 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक निकले दा कभी हम घर से 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। तीसरा एकल ओ माई शीर्षक जिसे 11 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। चौथा एकल शीर्षक बांदा में 18 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था और पांचवा एकल शीर्षक चल वे वतन और छठा एकल शीर्षक मैं तेरा रास्ता था देखूंगा और साउंडट्रैक एल्बम के साथ 20 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 लुट पुट गया, इसे स्वानंद किरकिरे और अभिजीत सिंह ने गाया है। नंबर 2 निकले थे कभी हम घर से, इसे जावेद अख्तर और सोनू निगम जी ने गाया है। नंबर 3 हे माही, इसे इरशाद कामिल और अभिजीत सिंह ने गाया है। नंबर 4 चल वे वतना, इसे अरुण ग्रोवर और जावेद अली दिलजीत दोझांस ने गाया है। नंबर 5 बांदा, इसे दिलजीत दोझांस ने गाया है। नंबर 6 मैं तेरा रास्ता देखूंगा, इसे अभिजीत भट्टाचार्य और विशाल मिश्रा, श्रेया घोषाल, सादा फरीदी और अल्तमस फरीदी जी ने गाया है। नंबर 7 मैं तेरा रास्ता देखूंगा, इसे गाया है सादा फरीदी, अल्तमस फरीदी ने। नंबर 8 वाहेगुरु, इसे गाया है अजय बिजली ने। तो इस फिल्म का टीजर डंकी ड्रब ने एक शीर्षक से 2 नवंबर 2023 को शाहरुख खान ने 98वें जन्मदिन के अवसर पर जारी किया था। 8 ड्रब्स थे और एक के बाद एक जारी किए गए थे। ड्रब 2 को 22 नवंबर को लुट पुट गया गाने के रूप में रिलीज किया गया था। ड्रब 3 को 1 दिसंबर को निकले थे कभी हम घर से गाने के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर उनकी डंकी टॉप 4 और 5 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। ड्रॉप 5 को 11 दिसंबर को ओ माई गाने के रूप में रिलीज किया गया था। 17 दिसंबर को दुबई में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ड्रॉप 6 को 18 दिसंबर बांदा में गाने के रूप में रिलीज किया गया था। ड्रॉप 7 और ड्रॉप 8 को 20 दिसंबर को चल वे वतना और मैं तेरा रास्ता देखूंगा गाने के रूप में रिलीज किया गया था। तो डंकी को नाटकीय रूप से 21 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म को 2024 तक स्थगित करने की अफवाह थी जिसका शाहरुख खान ने जवान 2023 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खंडन किया था। तो पेन स्टूडियोज ने पेन मरुधर एंटरटेनमेंट बैनर के तहत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लिए नाटकीय अधिकार हासिल किए हैं। श्री गोकुलम मूवीज ने तमिलनाडु और केरल में फिल्म के नाटकीय वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। राजश्री पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वितरित किया है। पैरनोमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र के अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। BFX ने पश्चिम बंगाल के एक लिए नाटकीय अधिकार हासिल कर लिए हैं। विदेशी वितरण अधिकार यशराज फिल्म को बेच दिए गए हैं और होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने फिल्म के सिंगापुर वितरण अधिकार खरीदे हैं जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। एक्शन कट एंटरटेनमेंट ने बांग्लादेश में फिल्म वितरित की है। तो फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय गैर नाटकीय वितरण अधिकार 230 करोड़ में बेचे गए थे जबकि घरेलू और गैर नाटकीय स्ट्रीमिंग अधिकार जियो सिनेमा द्वारा 155 करोड़ में शामिल किए गए थे। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में। तो समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 18 आलोचकों में से 56% समीक्षाएं सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग 5.90 रही है। इंडिया टुडे की तुषार जोशी ने 5 में से 4 स्टार दिए हैं और लिखा है कि 3 इडियट्स या पीके की तुलना में डंकी हिरानी का सबसे अच्छा काम नहीं हो सकता लेकिन यह अभी भी मनोरंजक करता है और आपको एक गर्म और अजीब एहसास देता है। टाइम ऑफ इंडिया की श्रीपर्णा सेन गुप्ता ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं और लिखा है कि डंकी की कहानी एक भावात्मक है, दोस्ती रोमांस दिल दहला देने वाली और दिल को छू लेने वाले पलों को एक साथ समेटती है और ट्रेडमार्क हिरानी में शैली इसमें हास्य की भरपूर मात्रा है जो एक मनोरंजक यात्रा बनाने के लिए व्यंग से भरपूर है और साथ ही साथ फिल्म में मजबूत संदेश भी दिया गया है। पिंक पिला के एक समीक्षक ने इसे आधुनिक समय का क्लासिक माना लेकिन फिल्म की गति की आलोचना की और बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को
5 में से 3.5 सितारों की रेटिंग दी है और लिखा है कि डंकी सही संदेश और भावनाओं की पृष्ठभूमि के साथ फिल्म निर्माण में राजकुमार हिरानी की छाप रखती है। हालांकि यह उनकी पिछली फिल्मों की तरह लेखन के रूप में उत्कृष्ट नहीं है, काफ़ी हद तक खेल बिगड़ता है। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने फिल्म की समीक्षाओं से एक दुनिया के संदेश से प्रसन्न हुए और शाहरुख खान और तापसी पन्नू के प्रदर्शन की प्रशंसा की है और हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने इसे दिल छू लेने वाली कहानी जो भावनाओं से भरपूर है और करार दिया है। लेकिन शाहरुख खान और तापसी पन्नू के प्रदर्शन की प्रशंसा करने के बावजूद वो उनकी केमिस्ट्री से नाखुश थे। NDTV के सैवल चटर्जी का मानना है कि फिल्म की ताकत शाहरुख खान के स्टारडम की सेवा में न रहकर सहायक कलाकारों और विशेषकर विक्की कौशल को चमकने देने की क्षमता में निहित है। फिल्म कंपेनियन के एक समीक्षक का भी मानना था कि कौशल की विशेष उपस्थिति ने सरलीकृत फिल्म को बढ़ाया था। द हिंदू के लिए लिखते हुए अनुज कुमार ने डंकी को हिरानी में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, लेकिन इसमें आपको हंसाने और मंथन करने के लिए पर्याप्त है। मिंट लाउज के उदय भाटिया ने इसकी तुलना सीमा पार करने के लिए एक सीरियाई फिल्म द ड्रुप्स 1973 में नकारात्मक रूप से करते हुए लिखा है कि फिल्म के विपरीत डंकी केवल अवैध अप्रवासन और शरणार्थी संकट में उस हद तक दिलचस्पी रखती हैं जहां तक कि अनुमानित देती हैं। हिरानी और शाहरुख खान आमने सामने होंगे। Redpi.com की सुकन्या वर्मा ने डंकी महत्वाकांक्षा से भरपूर है लेकिन इसका कमजोर आधार इस लगभग 3 घंटे की लंबी यात्रा को दूर के रोमांच में बदल देता है, जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है और इसे खरीदना कठिन हो जाता है। स्काइल इनकी नंदनी रामनाथन ने फिल्म को सपाट और निराधार कहकर खारिज कर दिया है और कहा है कि अजीब तरह की फिल्म को शाहरुख खान के डिंपल आकर्षण और तापसी पन्नू विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर के उत्साही मोड़ द्वारा संक्षेप में जीवंत किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने इस क्रैशिंग बोर कहकर इसे आलोचना की है और इसे हिरानी की सबसे कमजोर फिल्म बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्णन ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी है और लिखा है कि अवैध आप्रवासन और अनाधिकृत सीमा पर प्रवासी क्रॉसिंग गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन निर्देशक राजकुमार हिरानी ने भावात्मक रूप से आकर्षक कहानी के साथ उन्हें मानवी बना दिया है। द नेशनल के डेविड ड्यूसिंग ने लिखा है कि डंकी के साथ शाहरुख खान पूरे दिल से एक मानविक आप्रवासन कहानी पेश करते हैं जो दर्शकों को प्रभावित करेगी। तो डंकी ने बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्म के लिए अब तक की 13वीं सबसे बड़ी अग्रिम बुकिंग थी। अपनी शुरुआती दिन में इसने भारत में कुल 28 करोड़ US 3.5 मिलियन की कमाई की। इसके दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 20 करोड़ US 2.5 मिलियन और 24.5 करोड़ US 3.1 मिलियन का शुद्ध घरेलू संग्रह था। 1 जनवरी 2024 तक डंकी ने भारत में 226.88 करोड़ US 28 मिलियन की कमाई की है। इसके अलावा विदेशों में 173.49 करोड़ US 22 मिलियन की कमाई की है और दुनिया भर में अनुमानित 400.37 करोड़ US 50 मिलियन की कमाई की है। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन में इतिहास को देखते हुए पता चला है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती हैं, खासकर समाज की कुरीतियों या मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी के भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है। वजह है कि उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं, यह पहली बार होगा जब शाहरुख खान किसी फिल्म का निर्देशन हिरानी करेंगे। इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है, यानी कि निर्देशक अभिनेता कि ये जोड़ी फिल्म को क्रिसमस के दौरान रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर एक नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहेगी। हालांकि फैंस के मन में अभी भी ये सवाल है कि आखिर फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है और इसकी कहानी से शीर्षक का क्या संबंध है, तो फिल्म का टाइटल डंकी रखने की क्या वजह है। तो राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन में इतिहास को देखें तो पता चला है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती हैं, खासकर समाज की कुरीतियों या मान्यताओं को चुनौती देने वाली होती हैं। इसी कड़ी में डंकी के सभी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर खानों से मिली जानकारी से हिसाब से डंकी असल में एक कोड वर्ड है। ये कोड आया है डंकी प्लाइट शब्द से, जिसे ईगल बॉर्डर इग्रीग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके पर तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारतीय लहजे में डंकी को डंकी बोला जाता है, इसीलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी के प्लाइट्स के मुद्दे को उभार
और उभरती नजर आएगी। आखिरकार क्या होती है डंकी प्लाइट्स, क्यों ये बड़ी समस्या है? तो डंकी प्लाइट्स का अर्थ है सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचना नहीं, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने की किसी भी तरीके को डंकी प्लाइट्स कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी मुद्दे के द्वारा किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को अवैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वह दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी प्लाइट्स कहा जाता है। डंकी प्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं। डंकी प्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है। यहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी प्लाइट्स का सहारा लेते हैं। इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वालों में पांचवें नंबर पर है। इससे पहले मैक्सिको, ग्वेटेमाला, अल सल्वाडोर और होडारास जैसे देश का नाम है। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवा सबसे ज़्यादा इन डंकी प्लांट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। तो हिरानी की फिल्म के टाइटल और अनाउंसमेंट के पोस्टरों को देखा जाए तो साफ है कि यह फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश करने वालों पर ही आधारित है। पोस्टर में रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच कई लोगों को पैदल यात्रा करते देखा जा सकता है। साथ ही साथ रेगिस्तान के टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है। शाहरुख खान की एक फिल्म सिनेमाई घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का नाम है डंकी। इस फिल्म में जिस चीज़ की कहानी है वो डंकी रूट की। डंकी रूट एक ऐसा रास्ता है जिस पर जाते वक्त हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल ये लाखों लोगों के उस सपने से जुड़ा हुआ है जिसमें वे मानते हैं कि अगर अमेरिका, यूरोप या कनाडा चले जाएँ तो जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ, जब आमतौर पर लोगों का वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है तब एजेंट्स लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं जिस पर जाने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही साथ अमेरिका और कनाडा में घुस पाने की संभावना भी बेहद कम होती है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों में अमेरिका या कनाडा जाने का बहुत क्रेज है। इस कारण इन राज्यों में EELTS कोचिंग के नाम पर बड़ा व्यापार चल रहा है। कई बार लोग शिक्षा को कई बार बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में बेतहाशा मौजूदा वीजा एजेंट इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये एजेंट पहले तो लोगों से पैसा लेते हैं और फिर वीजा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वीजा आमतौर पर रिजेक्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लोगों का विदेश जाने का सपना और प्रबल हो जाता है। इसके बाद लोगों को कोई रास्ता जब नहीं सूझता तो वीजा एजेंट लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं। तो डंकी शब्द एक गधे का एक क्षेत्रीय उच्चारण है। डंकी एक पंजाबी मुहावरे से बना है जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आसान शब्दों में कहें तो जब लोगों को अलग अलग देशों में रुकाते हुए अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे डंकी रूट कहते हैं। पंजाबी में डंकी शब्द का अर्थ है कूदों के जरिए लोगों को अवैध रास्तों से होते हुए कनाडा, अमेरिका या यूरोप भेजा जाता है। दरअसल डंकी रूट का कुल खर्चा 20 लाख से लेकर करोड़ों रुपए का है। अमेरिका, कनाडा जाने की चाह में हर साल लोग इस जाल में फंस जाते हैं और इस रूट के तहत पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कई इलाकों से लोग पहले तो दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद इन्हीं दिल्ली से विमान में बैठाकर किसी लैटिन अमेरिकन यानी दक्षिण अमेरिकी देश भेजा जाता है जो कि कोलंबिया के करीब हैं। इन देशों में इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, ब्राज़ील और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। इसके बाद इन्हें यहाँ एक एजेंट अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कराता है जो अगले देश के बॉर्डर पर यात्रियों का साथ छोड़ देता है। इसके बाद अन्य देश में मिलवाने के एजेंट एक कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराते हैं। इसके बाद शुरू होता है खतरनाक मौत का सफ़र। पनामा में प्रवेश के साथ ही रास्ते में डेरियन गैप को पार करना होता है। दरअसल कोलंबिया और पनामा के बीच एक विशालकाय जंगल है। इस जंगल को पनामा का जंगल या डेरियन गैप कहते हैं। इस जंगल में कई नदियां हैं। जहरीले और ख़तरनाक जीव जंतु, लुटेरे, डकैत इत्यादि सब इस जंगल में जो नहीं हैं वे रास्ते, लाइट, आधारभूत सुविधाएं,
कई सौ किलोमीटर में फैले हुए इस जंगल के रास्ते को कई दिनों तक पैदल चलकर पार करना होता है। इस दौरान खाना पानी के बगैर जानवरों के हमले, लुटेरों के हमले के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। कई बार जहरीले जानवरों लोगों को मार डालते हैं, तो कई बार लुटेरे लोग के कपड़े तक लूट लेते हैं, और इस कारण हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। डेरियन गैप को पार करने में ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद बचे खुचे लोग अगर वहाँ से निकल भी गए तो उन्हें मैक्सिको तक नाव में ढूंसकर मजदूरों और जानवरों की तरह लाया जाता है। मैक्सिको में आने के बाद तो उन्हें 30 फीट ऊंची दीवार कूदानी पड़ती है, जिसमें गिरकर उनकी मौत हो जाती है, या फिर अगर उन्हें किसी तरह मैक्सिको और अमेरिकी बॉर्डर को पार करा लिया तो उन्होंने मैक्सिको या अमेरिकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसकी हालत जेल से भी बदतर होती है। इसके बाद उन लोगों की पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होती है, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट को यह भी भरोसा दिलाना होता है कि भारत सरकार ने उनके साथ गलत किया है। ऐसे में अधिकांश समय यह होता है कि मजिस्ट्रेट इन दावों को झूठा पाते हैं और उन्हें वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर मजिस्ट्रेट इस बात पर सहमति देता है कि आज भारतीय यात्रियों को अमेरिका में शरण दी जाए, तो इसके बाद 20 से अधिक साल तक वो यात्री भारत नहीं आ सकता, चाहे कुछ हो जाए। शरणार्थी बनने के नियम के तहत उन नियमों को पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा शरणार्थी की मांग को खारिज कर दिया जाता है। डंकी रूट का सबसे बड़ा नुकसान है लोगों के पैसे और जान का। अवैध तरीके से अमेरिका कनाडा जाने के लिए कम से कम 20 लाख और अधिकांश करोड़ों रुपये तक खर्च लगता है, बावजूद उन्हें कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है और कई लोग इस रूट में जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, अधिकांश लोग फिर मैक्सिको या फिर अमेरिका पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, जिसके द्वारा वापस भारत भेज दिए जाते हैं। इसका निर्माण रेड चिलीज इंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियोज और राजकुमार हिरानी फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत हैं और बोमन ईरानी भी हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी ने और इस फिल्म को लिखा है राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी, कनिका ढिल्लो ने, और इस फिल्म को उत्पादित किया है ज्योति देशपांडे, गौरी खान और राजकुमार हिरानी ने, और इस फिल्म को अभिनीत किया है शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल और ईरानी जी ने, और इस फिल्म को छायांकित किया है सीके मुरलीधरन और मानुष नंदन और अमित राय जी ने, और इस फिल्म को संपादित किया है राजकुमार हिरानी ने, और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम जी ने और स्कोर है अमन पंत का। उत्पादन कंपनी है जियो स्टूडियोज, रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी की फिल्म्स है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी रिलीज हुई थी 21 दिसंबर 2023 को देश भारत भाषा हिंदी में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 120 करोड़ रुपए का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 400.37 करोड़ का। तो फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में आधिकारिक शीर्षक के साथ की गई थी और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी, जो मुंबई, जबलपुर, कश्मीर, बुडापेस्ट, लंदन, जद्दा, नियोम में हुई थी और अप्रैल 2023 में पूरी हुई है। साउंड ट्रैक की रचना प्रीतम ने की थी, जबकि अमन पंत ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। सीके मुरलीधरन, मानुष नंदन और अमित राय ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी संभाली है। तो डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं और इसने 120 करोड़ रुपए के बजट पर बनी फिल्म है, जिसके उत्पादन और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 400.37 करोड़ यूएस 50 मिलियन से अधिक की कमाई की है। यह 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है, जिसे 2023 की नवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की 29वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी की हुए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो सन 2020 में वृद्ध मनु रंधावा यानी कि तापसी पन्नू लंदन के एक अस्पताल से भाग जाते हैं और एक आवर्जन वकील पुरु पटेल यानी कि देवेन भोजानी से मिलते हैं और वह उससे अपने पूर्व प्रेमी हरदयाल हांडी यानी कि सिंह ढिल्लो यानी कि शाहरुख खान से मिलने में सहायता का अनुरोध करती हैं। पंजाब के लाटू में एक वृद्ध हार्डी 25 साल बाद मनु का फोन पाकर बहुत खुश है और वह उसे दुबई में मिलने के लिए कहती है, ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके, क्योंकि उसे भारतीय वीजा नहीं मिल पा रहा है। सन 1995 में मनु और उसके दोस्त बुग्गू यानी कि विक्रम कोचर और बल्ली लाटू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवास करने के लिए उत्सुक हैं। करीब और अशिक्षित, विभिन्न तरीकों की कोशिश करने के बावजूद वीजा प्राप्त करने
में असमर्थ हैं। एक दिन हांडी एक पूर्व सेना अधिकारी उनके गांव में आते हैं और मनु के भाई महिंदर ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी और वो अपना निजी सामान वापस करने के लिए वापस आ गए हैं, लेकिन उसे पता चला है कि महिंदर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है जिससे मनु और उसके परिवार की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचने में मदद करने का वादा किया और उन्होंने बताया कि IELTS परीक्षा पास करने से UK का छात्र वीजा प्राप्त करना आसान हो जाता है, इसीलिए गीतू गुलाटी यानी कि बोमन ईरानी द्वारा पढ़ाए जाने वाले IELTS कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है सुखी यानी कि विक्की कौशल से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका को बचाने के लिए लंदन में बसना चाहता है जिसकी शादी एक NRI व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण करता था और अंत में बल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है और बाकी सभी असफल हो जाते हैं। एक बार लंदन में बल्ली ने एक बड़े घर और एक कार के सामने अपनी तस्वीर भेजी जिससे भारत में उसके दोस्तों और परिवार को विश्वास हो गया कि उसने ब्रिटेन में कुछ बड़ा कर लिया है और वो खुशी को यह बताता है कि खुशी के IELTS में असफल होने के बारे में जानने के बाद उसकी पूर्व प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली है जिसके कारण सुखी ने आत्मदाह कर लिया और आहत होकर हांडी ने मनु और बग्गू को डंकी मार्ग से स्वयं लंदन ले जाने का वादा किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के माध्यम से एक विश्वासघाती यात्रा के बाद जिसके दौरान उनके 300 यात्री मारे गए थे और हार्डी ने मनु को यौन उत्पीड़न से बचाया और अंत में वे लंदन पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात बल्ली से होती है जो एक जीवित मूर्ति के रूप में काम कर रहा है। बल्ली उन्हें अपने साथ उस स्थान पर ले जाता है जहां वो रहता है, जहां उन्हें एहसास होता है कि उसने जो तस्वीरें भेजी थी वो झूठी थी और वो वास्तव में UK में अकेले रह रहा है और अन्य कई अवैध लोगों के साथ एक छोटा सा जर्जर घर साझा करता है और अप्रवासी चारपाई बिस्तरों में सोते हैं और पुलिस और अप्रवासन अधिकारियों द्वारा खोजा जाने के लगातार डर में रहते हैं। उनकी मुलाकात एक वकील पुरु पटेल से होती है जो मनु को UK की नागरिकता पाने के आसान तरीके के रूप में दिखावटी विवाह करने की सलाह देता है और मनु सहमत हो जाता है और एक ड्रग एडिक्ट से शादी कर लेता है। चर्च में रहते हुए ड्रग एक्टिव द्वारा मनु को चूमने की कोशिश से हार्डी क्रोधित हो जाता है और वे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जिसके कारण उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत में पुरु उन्हें यह दावा करके देश में रहने के लिए शरण का अधिकार मांगने की सलाह देता है कि भारत में उनका जीवन खतरे में है और एक पूर्व सेना अधिकारी के रूप में हांडी अपने देश के साथ विश्वासघात करने से इनकार करते हैं, लेकिन बाकी लोग शरण पाने और इंग्लैंड में बसने के साथ साधन के रूप में सहमत होते हैं। हांडी को जल्द ही भारत वापस भेज दिया जाएगा जबकि बाकी ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं। शुरू में लिविंग स्टैचू के रूप में काम कर रहे थे, वर्तमान समय में मनु हांडी से कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है क्योंकि वह ब्रेन ट्यूमर से मर रही है। वह कार्गो कंटेनरों के माध्यम से भारत के लिए रवाना होने की कोशिश करते हैं। वह अंत में आव्रजन अधिकारियों को यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाते हैं कि वह अवैध रूप से लंदन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक थे और इस प्रकार उन्हें भारत भेज दिया जाता है। एक बार जब वे लाटू पहुंचते हैं तो मनु यह जानकर हैरान रह जाती है कि हांडी ने उनके प्यार के कारण कभी शादी नहीं की। हांडी द्वारा उसे प्रपोज करने के कुछ समय ही बाद मनु की बीमारी से मृत्यु हो जाती है और दिवाली की शाम को आतिशबाजी देखते हुए दिल टूट गया। हांडी ने उसके हाथों में सगाई की अंगूठी डाल दी और उसे गले लगा लिया। और फिल्म का उपसंहार के साथ समाप्त होती है कि लगभग 140 साल दूसरे देशों की यात्रा के लिए कोई वीजा नहीं किया जाता था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में। तो हरदयाल हांडी सिंह ढिल्लों के रूप में शाहरुख खान हैं और मनु रंधावा के रूप में तापसी पन्नू जी हैं। सुखी के रूप में विक्की कौशल हैं और गीतेंद्र गित्तू गुलटी के रूप में और बोमन ईरानी हैं। विक्रम गोचर बलिंदर बुग्गू यानी कि लखनपाल के रूप में हैं और अनिल ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में हैं। ज्योति
सुभाष बुग्गू की दादी के रूप में हैं और देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु पटेल के रूप में हैं। मनु के पिता के रूप में मनोज कांत हैं और मनु के बड़े पिता के रूप में अरुण बाली हैं। मनु की मां के रूप में अमरदीप झा हैं। मनु के भाई महेंद्र रंधावा के रूप में सुहेल जरगर हैं और गुलाब नागरा के रूप में विष्णु कौशल हैं। रोहितास गौड़ लाटू में फर्जी वीजा एजेंट के रूप में हैं। भारतीय डंकी एजेंट के रूप में जितेंद्र हुड्डा हैं और सऊदी अरब की डंकी एजेंट बाकिर के रूप में साहिद लतीफ हैं और बुग्गू के पिता के रूप में महावीर भुल्लर हैं और बुग्गी की मां के रूप में शमना शैंड हैं और बल्ली की मां के रूप में जितेंद्र कौर हैं। जेमी हुईल और एक ब्रिटिश न्यायाधीश के रूप में हैं और अतिला अरपा आनंद और लंदन में बुग्गू के प्रबंधक के रूप में हैं। लाटू स्टेशन पर चोर के रूप में निखिल रत्नपार की हैं। सांझा विक्रम सिंह एक दुकान खरीदार के रूप में हैं। लाटू स्टेशन पर सहयात्री के रूप में गुरप्रीत गुग्गी हैं। इन्होंने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में। तो सन 2020 के अंत में ये भी बताया गया था कि राजकुमार हिरानी अपने अगले निर्देशन के लिए शाहरुख खान के साथ सहयोग करेंगे। हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शाहरुख खान को कहानी सुनाई। ये फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग था। खान ने खुलासा किया कि हिरानी ने उन्हें अपनी फिल्मों में मुन्ना भाई MBBS 2003 और 3 Idiots 2009 में भूमिका की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी हो गई और अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा की गई थी। तो हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया। सिनेमेटोग्राफी अमित राय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी और उनकी जगह CK मुरलीधरन को मिला था। लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और 3 Idiots और PK 2014 के बाद ये हिरानी के साथ उनका चौथा सहयोग था। रिपोर्टरों के अनुसार मानुष नंदन, अमित राय और कुमार पंकज को फिल्म में छायाकार के रूप में काम करने का अवसर मिला था। तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। तापसी पन्नू को जनवरी 2021 में मुख्य महिला के रूप में चुना गया था, जो शाहरुख खान के साथ उनका पहला ऑन स्क्रीन सहयोग थी। शाहरुख खान की रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म बदला 2019 का निर्माण किया और विक्की कौशल को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। बोमन ईरानी अक्टूबर 2022 में कलाकारों में शामिल हुए और प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी मुंबई में। मुंबई शेड्यूल जून 2022 में समाप्त हुआ और अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल जुलाई 2022 में शुरू हुआ। फिल्मांकन जुलाई 2022 में बूडापेस्ट और लंदन में हुआ था और एक महीने के बाद पूरा हुआ था। शाहरुख खान की विशेषता वाला एक बाइक अनुक्रम अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था और नवंबर 2022 में सऊदी अरब में 12 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जद्दा और नियोम स्थान शामिल थे। दिसंबर 2022 में जबलपुर मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। जनवरी 2023 में शाहरुख खान की विशेषता वाला अंडर वाटर सीक्वेंस मुंबई में फिल्माया गया था। इसी बीच खान जो एक अन्य प्रोजेक्ट जवान पर भी काम कर रहे थे, अप्रैल 2023 में अपनी शूटिंग पूरी की और उसी महीने टीम 4 दिवसीय कार्यक्रम के लिए कश्मीर चली गई थी, जो श्रीनगर, पंपोर, सोनमार्ग सहित थसजावास, गोलियस और पुलवामा में हुई। गणेश आचार्य द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और एक गीत अनुक्रम कश्मीर में फिल्माया गया था। फिल्मांकन अप्रैल 2023 तक सोनमार्ग कश्मीर में पूरा कर लिया गया था। फिल्म की शूटिंग 75 दिनों में की गई थी, जिसमें शाहरुख खान 60 दिनों तक शूटिंग की थी। कथित तौर पर फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपये है, जिसमें मार्केटिंग लागत भी शामिल है और इस फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम द्वारा रचित है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमन पंत द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक लुट पुट गया 22 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक निकले दा कभी हम घर से 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। तीसरा एकल ओ माई शीर्षक, जिसे 11 दिसंबर 2023 को जन, और छठा एकल शीर्षक मैं तेरा रास्ता था देखूंगा और साउंडट्रैक एल्बम के साथ 20 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 लुट पुट गया, इसे स्वानंद किरकिरे और अभिजीत सिंह ने गाया है। नंबर 2 निकले थे कभी हम घर से, इसे जावेद अख्तर और सोनू निगम जी ने गाया है। नंबर 3 हे माही, इसे इरशाद कामिल और अभिजीत सिंह ने गाया है। नंबर 4 चल वे वतना, इसे अरुण ग्रोवर और जावेद अली दिलजीत दोझांस ने गाया है। नंबर 5 बांदा, इसे
दिलजीत दोंझास ने गाया है। नंबर 6 मैं तेरा रास्ता देखूंगा, इसे अभिजीत भट्टाचार्य और विशाल मिश्रा, श्रेया घोषाल, सादा फरीदी और अल्तमस फरीदी जी ने गाया है। नंबर 7 मैं तेरा रास्ता देखूंगा, इसे गाया है सादा फरीदी अल्तमस फरीदी ने। नंबर 8 वाहेगुरु, इसे गाया है अजय बिजली ने। तो इस फिल्म का टीजर डंकी ड्रब ने एक शीर्षक से 2 नवंबर 2023 को शाहरुख खान ने 98वें जन्मदिन के अवसर पर जारी किया था। 8 ड्रब्स थे और एक के बाद एक जारी किए गए थे। ड्रब 2 को 22 नवंबर को लुट पुट गया गाने के रूप में रिलीज किया गया था। ड्रब 3 को 1 दिसंबर को निकले थे कभी हम घर से गाने के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर उनकी डंकी टॉप 4 और 5 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। ड्रॉप 5 को 11 दिसंबर को ओ माई गाने के रूप में रिलीज किया गया था। 17 दिसंबर को दुबई में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ड्रॉप 6 को 18 दिसंबर बांदा में गाने के रूप में रिलीज किया गया था। ड्रॉप 7 और ड्रॉप 8 को 20 दिसंबर को चल वे वतना और मैं तेरा रास्ता देखूंगा गाने के रूप में रिलीज किया गया था। तो डंकी को नाटकीय रूप से 21 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म को 2024 तक स्थगित करने की अफवाह थी, जिसका शाहरुख खान ने जवान 2023 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खंडन किया था। तो पेन इंस्टीट्यूट ने पेन मरुधर एंटरटेनमेंट बैनर के तहत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लिए नाटकीय अधिकार हासिल किए हैं। श्री गोकुलम मूवीज ने तमिलनाडु और केरल में फिल्म के नाटकीय वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। राजश्री पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वितरित किया है। पैरनोमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र के अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। BFX ने पश्चिम बंगाल के एक लिए नाटकीय अधिकार हासिल कर लिए हैं। विदेशी वितरण अधिकार यशराज फिल्म को बेच दिए गए हैं और होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने फिल्म के सिंगापुर वितरण अधिकार खरीदे हैं, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। एक्शन कट एंटरटेनमेंट ने बांग्लादेश में फिल्म वितरित की है। तो फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय गैर नाटकीय वितरण अधिकार 230 करोड़ में बेचे गए थे, जबकि घरेलू और गैर नाटकीय स्ट्रीमिंग अधिकार जियो सिनेमा द्वारा 155 करोड़ में शामिल किए गए थे। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में। तो समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 18 आलोचकों में से 56% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.90 रही है। इंडिया टुडे के तुषार जोशी ने 5 में से 4 स्टार दिए हैं और लिखा है कि 3 इडियट्स या PK की तुलना में डंकी हिरानी का सबसे अच्छा काम नहीं हो सकता, लेकिन यह अभी भी मनोरंजक करता है और आपको एक गर्म और अजीब एहसास देता है। टाइम ऑफ इंडिया की श्रीपर्णा सेन गुप्ता ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं और लिखा है कि डंकी की कहानी एक भावात्मक है, दोस्ती रोमांस दिल दहला देने वाली और दिल को छू लेने वाले पलों को एक साथ समेटती है और ट्रेडमार्क हिरानी में शैली इसमें हास्य की भरपूर मात्रा है, जो एक मनोरंजक यात्रा बनाने के लिए व्यंग से भरपूर है और साथ ही साथ फिल्म में मजबूत संदेश भी दिया गया है। पिंक पिला के एक समीक्षक ने इसे आधुनिक समय का क्लासिक माना, लेकिन फिल्म की गति की आलोचना की और बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारों की रेटिंग दी है और लिखा है कि डंकी सही संदेश और भावनाओं की पृष्ठभूमि के साथ फिल्म निर्माण में राजकुमार हिरानी की छाप रखती है। हालांकि यह उनकी पिछली फिल्मों की तरह लेखन के रूप में उत्कृष्ट नहीं है, काफ़ी हद तक खेल बिगड़ता है। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने फिल्म की समीक्षाओं से एक दुनिया के संदेश से प्रसन्न हुए और शाहरुख खान और तापसी पन्नू के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। और हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने इसे दिल छू लेने वाली कहानी जो भावनाओं से भरपूर है और करार दिया है, लेकिन शाहरुख खान और तापसी पन्नू के प्रदर्शन की प्रशंसा करने के बावजूद वो उनकी केमिस्ट्री से नाखुश थे। NDTV के सैवल चटर्जी का मानना है कि फिल्म की ताकत शाहरुख खान के स्टारडम की सेवा में न रहकर सहायक कलाकारों और विशेषकर विक्की कौशल को चमकने देने की क्षमता में निहित है। फिल्म कंपेनियन के एक समीक्षक का भी मानना था कि कौशल की विशेष उपस्थिति ने सरलीकृत फिल्म को बढ़ाया था। द हिंदू के लिए लिखते हुए अनुज कुमार ने डंकी को हिरानी में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, लेकिन इसमें आपको हंसाने और मंथन करने के लिए पर्याप्त है। मिंट लाउज के उदय भाटिया ने इसकी तुलना सीमा पार करने के लिए एक सीरियाई फिल्म द ड्रुप्स 1973 में नकारात्मक रूप से करते हुए लिखा है कि फिल्म के विपरीत डंकी केवल अवैध अप्रवासन और शरणार्थी संकट में उस हद तक दिलचस्पी रखती हैं जहां तक कि अनुमानित
देती हैं। हिरानी और शाहरुख खान आमने सामने होंगे। redpi.com की सुकन्या वर्मा ने डंकी महत्वाकांक्षा से भरपूर है, लेकिन इसका कमजोर आधार इस लगभग 3 घंटे की लंबी यात्रा को दूर के रोमांच में बदल देता है, जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है और इसे खरीदना कठिन हो जाता है। स्काइल इनकी नंदिनी रामनाथन ने फिल्म को सपाट और निराधार कहकर खारिज कर दिया है और कहा है कि अजीब तरह की फिल्म को शाहरुख खान के डिंपल आकर्षण और तापसी पन्नू, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर के उत्साही मोड़ द्वारा संक्षेप में जीवंत किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने इस क्रैशिंग बोर कहकर इसे आलोचना की है और इसे हिरानी की सबसे कमजोर फिल्म बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्णन ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी है और लिखा है कि अवैध आप्रवासन और अनाधिकृत सीमा पर प्रवासी क्रॉसिंग गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन निर्देशक राजकुमार हिरानी ने भावात्मक रूप से आकर्षक कहानी के साथ उन्हें मानवीय बना दिया है। द नेशनल के डेविड ड्यूसिंग ने लिखा है कि डंकी के साथ शाहरुख खान पूरे दिल से एक मानविक आप्रवासन कहानी पेश करते हैं जो दर्शकों को प्रभावित करेगी। तो डंकी ने बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्म के लिए अब तक की 13वीं सबसे बड़ी अग्रिम बुकिंग थी। अपनी शुरुआती दिन में इसने भारत में कुल 28 करोड़ US $3.5 मिलियन की कमाई की। इसके दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 20 करोड़ US $2.5 मिलियन और 24.5 करोड़ US $3.1 मिलियन का शुद्ध घरेलू संग्रह था। 1 जनवरी 2024 तक डंकी ने भारत में 226.88 करोड़ US $28 मिलियन की कमाई की है। इसके अलावा विदेशों में 173.49 करोड़ US $22 मिलियन की कमाई की है और दुनिया भर में अनुमानित 400.37 करोड़ US $50 मिलियन की कमाई की है। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन में इतिहास को देखते हुए पता चला है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती हैं, खासकर समाज की कुरीतियों या मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी के भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है। वजह है कि उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं, ये पहली बार होगा जब शाहरुख खान किसी फिल्म का निर्देशन हिरानी करेंगे। इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है, यानी कि निर्देशक अभिनेता कि ये जोड़ी फिल्म को क्रिसमस के दौरान रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर एक नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहेगी। हालांकि फैंस के मन में अभी भी ये सवाल है कि आखिर फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है और इसकी कहानी से शीर्षक का क्या संबंध है, तो फिल्म का टाइटल डंकी रखने की क्या वजह है। तो राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन में इतिहास को देखें तो पता चला है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती हैं, खासकर समाज की कुरीतियों या मान्यताओं को चुनौती देने वाली होती हैं। इसी कड़ी में डंकी के सभी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर खानों से मिली जानकारी से हिसाब से डंकी असल में एक कोड वर्ड है। ये कोड आया है डंकी प्लाइट शब्द से, जिसे ईगल बॉर्डर इग्रीग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके पर तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारतीय लहजे में डंकी को डंकी बोला जाता है, इसीलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी के प्लाइट्स के मुद्दे को उभार और उभरती नजर आएगी। आखिरकार क्या होती है डंकी प्लाइट्स, क्यों ये बड़ी समस्या है? तो डंकी प्लाइट्स का अर्थ है सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचना नहीं, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने की किसी भी तरीके को डंकी प्लाइट्स कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी मुद्दे के द्वारा किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को अवैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वह दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी प्लाइट्स कहा जाता है। डंकी प्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं। डंकी प्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है। यहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी प्लाइट्स का सहारा लेते हैं। इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वालों में 5वें नंबर पर है। इससे पहले मैक्सिको, गुएटेमाला, अल साल्वाडोर और होंडुरास
जैसे देश का नाम है। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवा सबसे ज़्यादा इन टंकी प्लांट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। तो हिरानी की फिल्म के टाइटल और अनाउंसमेंट के पोस्टरों को देखा जाए तो साफ है कि यह फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश करने वालों पर ही आधारित है। पोस्टर में रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच कई लोगों को पैदल यात्रा करते देखा जा सकता है। साथ ही साथ रेगिस्तान के टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है। शाहरुख खान की एक फिल्म सिनेमाई घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का नाम है डंकी। इस फिल्म में जिस चीज़ की कहानी है वो डंकी रूट की। डंकी रूट एक ऐसा रास्ता है जिस पर जाते वक्त हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल ये लाखों लोगों के उस सपने से जुड़ा हुआ है जिसमें वे मानते हैं कि अगर अमेरिका, यूरोप या कनाडा चले जाएँ तो जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ, जब आमतौर पर लोगों का वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है तब एजेंट्स लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं जिस पर जाने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही साथ अमेरिका और कनाडा में घुस पाने की संभावना भी बेहद कम होती है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों में अमेरिका या कनाडा जाने का बहुत क्रेज है। इस कारण इन राज्यों में IELTS कोचिंग के नाम पर बड़ा व्यापार चल रहा है। कई बार लोग शिक्षा को कई बार बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में बेतहाशा मौजूदा वीज़ा एजेंट इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये एजेंट पहले तो लोगों से पैसा लेते हैं और फिर वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वीज़ा आमतौर पर रिजेक्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लोगों का विदेश जाने का सपना और प्रबल हो जाता है। इसके बाद लोगों को कोई रास्ता जब नहीं सूझता तो वीजा एजेंट लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं। तो डंकी शब्द एक गधे का एक क्षेत्रीय उच्चारण है। डंकी एक पंजाबी मुहावरे से बना है जिसका अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आसान शब्दों में कहें तो जब लोगों को अलग अलग देशों में रुकते रुकाते हुए अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे डंकी रूट कहते हैं। पंजाबी में डंकी शब्द का अर्थ है कूद कर, फांद कर, फुदक कर, अवैध तरीके से किसी स्थान पर जाना और अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में पहुंचने का यह एक खतरनाक रास्ता है जिसे अवैध इमिग्रेशन भी कहा जाता है। इन रास्तों के जरिए लोगों को अवैध रास्तों से होते हुए कनाडा, अमेरिका या यूरोप भेजा जाता है। दरअसल डंकी रूट का कुल खर्चा 20 लाख से लेकर करोड़ों रुपए का है। अमेरिका, कनाडा जाने की चाह में हर साल लोग इस जाल में फंस जाते हैं और इस रूट के तहत पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कई इलाकों से लोग पहले तो दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद इन्हीं दिल्ली से विमान में बैठाकर किसी लैटिन अमेरिकन यानी दक्षिण अमेरिकी देश भेजा जाता है जो कि कोलंबिया के करीब हैं। इन देशों में इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, ब्राज़ील और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। इसके बाद इन्हें यहाँ एक एजेंट अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कराता है जो अगले देश के बॉर्डर पर यात्रियों का साथ छोड़ देता है। इसके बाद अन्य देश में मिलवाने के एजेंट एक कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराते हैं। इसके बाद शुरू होता है खतरनाक मौत का सफ़र। पनामा में प्रवेश के साथ ही रास्ते में डेरियन गैप को पार करना होता है। दरअसल कोलंबिया और पनामा के बीच एक विशालकाय जंगल है। इस जंगल को पनामा का जंगल या डेरियन गैप कहते हैं। इस जंगल में कई नदियां हैं। जहरीले और खतरनाक जीव जंतु, लुटेरे, डकैत इत्यादि सब इस जंगल में जो नहीं हैं वे रास्ते, लाइट, आधारभूत सुविधाएं, कई 100 किलोमीटर में फैले हुए इस जंगल के रास्ते को कई दिनों तक पैदल चलकर पार करना होता है। इस दौरान खाना पानी के बगैर जानवरों के हमले, लुटेरों के हमले के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। कई बार जहरीले जानवरों लोगों को मार डालते हैं तो कई बार लुटेरे लोग के कपड़े तक लूट लेते हैं और इस कारण हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। डेरियन गैप को पार करने में ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद बचे खुचे लोग अगर वहां से निकल भी गए तो उन्हें मेक्सिको तक नाव में ढूंसकर मजदूरों और जानवरों की तरह लाया जाता है। मेक्सिको में आने के बाद तो उन्हें 30 फीट ऊँची दीवार कूदानी पड़ती है जिसमें गिरकर उनकी मौत हो जाती है, या फिर अगर उन्हें किसी तरह मेक्सिको और अमेरिकी बॉर्डर को पार करा लिया तो उन्होंने मेक्सिको या अमेरिकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है जिसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया जाता है जिसकी हालत जेल से भी बदतर होती है। इसके बाद उन लोगों की पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होती है जहां उन्हें मजिस्ट्रेट को यह भी भरोसा दिलाना होता है कि भारत सरकार ने उनके साथ गलत किया है। ऐसे में अधिकांश समय यह होता है कि मजिस्ट्रेट इन दावों को झूठा पाते हैं और उन्हें वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर मजिस्ट्रेट इस बात पर सहमति देता है कि
आज भारतीय यात्रियों को अमेरिका में शरण दी जाए तो इसके बाद 20 से अधिक साल तक वो यात्री भारत नहीं आ सकता, चाहे कुछ हो जाए। शरणार्थी बनने के नियम के तहत उन नियमों को पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा शरणार्थी की मांग को खारिज कर दिया जाता है। डंकी रूट का सबसे बड़ा नुकसान है लोगों के पैसे और जान का। अवैध तरीके से अमेरिका कनाडा जाने के लिए कम से कम 20 लाख और अधिकांश करोड़ों रुपये तक खर्च लगता है, बावजूद उन्हें कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है और कई लोग इस रूट में जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, अधिकांश लोग फिर मैक्सिको या फिर अमेरिका पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, जिसके द्वारा वापस भारत भेज दिए जाते हैं। हिरानी फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत हैं और बोमन ईरानी भी हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी ने और इस फिल्म को लिखा है राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी, कनिका ढिल्लो ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है ज्योति देशपांडे, गौरी खान और राजकुमार हिरानी ने और इस फिल्म को अभिनीत किया है शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बोमन ईरानी जी ने और इस फिल्म को छायांकित किया है सीके मुरलीधरन और मानुष नंदन और अमित राय जी ने और इस फिल्म को संपादित किया है राजकुमार हिरानी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम जी ने और स्कोर है अमन पंत का। उत्पादन कंपनी है जियो स्टूडियो, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी की फिल्म्स है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी रिलीज हुई थी 21 दिसंबर 2023 को देश भारत भाषा हिंदी में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 120 करोड़ रुपए का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 400.37 करोड़ का। तो फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में आधिकारिक शीर्षक के साथ की गई थी और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी जो मुंबई, जबलपुर, कश्मीर, बुडापेस्ट, लंदन, जेद्दाह, नियोम में हुई थी और अप्रैल 2023 में पूरी हुई है। साउंड ट्रैक की रचना प्रीतम ने की थी जबकि अमन पंत ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। सीके मुरलीधरन, मानुष नंदन और अमित राय ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी संभाली है। तो डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं और इसने 120 करोड़ रुपए के बजट पर बनी फिल्म है जिसके उत्पादन और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 400.37 करोड़ यूएस 50 मिलियन से अधिक की कमाई की है। यह 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है, जिसे 2023 की नवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की 29वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी है। तो फैंस, बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो सन 2020 में वृद्ध मनु रंधावा यानी कि तापसी पन्नू लंदन के एक अस्पताल से भाग जाते हैं और एक आवर्जन वकील पुरु पटेल यानी कि देवेन भोजानी से मिलते हैं और वह उससे अपने पूर्व प्रेमी हरदयाल हांडी यानी कि सिंह ढिल्लो यानी कि शाहरुख खान से मिलने में सहायता का अनुरोध करती हैं। पंजाब के लाटू में एक वृद्ध हार्डी 25 साल बाद मनु का फोन पाकर बहुत खुश है और वह उसे दुबई में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीजा नहीं मिल पा रहा है। सन 1995 में मनु और उसके दोस्त बुग्गू यानी कि विक्रम कोचर और बल्ली लाटू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवास करने के लिए उत्सुक हैं। करीब और अशिक्षित विभिन्न तरीकों की कोशिश करने के बावजूद वीजा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। एक दिन हांडी एक पूर्व सेना अधिकारी उनके गांव में आते हैं और मनु के भाई महिंदर ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी और वो अपना निजी सामान वापस करने के लिए वापस आ गए हैं, लेकिन उसे पता चला है कि महिंदर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है जिससे मनु और उसके परिवार की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचने में मदद करने का वादा किया और उन्होंने बताया कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके का छात्र वीजा प्राप्त करना आसान हो जाता है, इसीलिए गीतू गुलाटी यानी कि बोमन ईरानी द्वारा पढ़ाए जाने वाले IELTS कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है सुखी यानी कि विक्की कौशल से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका को बचाने के लिए लंदन में बसना चाहता है जिसकी शादी एक NRI व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण करता था और अंत में बल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है और बाकी सभी असफल हो जाते हैं। एक बार लंदन में बल्ली ने एक बड़े घर और एक कार के सामने अपनी तस्वीर भेजी जिससे भारत में उसके दोस्तों और परिवार को विश्वास हो गया कि उसने ब्रिटेन में कुछ बड़ा कर लिया है और वो खुशी को यह बताता है कि खुशी के IELTS में असफल होने के बारे में जानने के बाद उसकी पूर्व प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली है जिसके कारण सुखी ने आत्मदाह कर लिया और आहत होकर हांडी ने मनु और बग्गू को डंकी मार्ग से स्वयं लंदन ले जाने का वादा किया।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के माध्यम से एक विश्वासघाती यात्रा के बाद, जिसके दौरान उनके 300 यात्री मारे गए थे और हार्डी ने मनु को यौन उत्पीड़न से बचाया। और अंत में वे लंदन पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात बल्ली से होती है जो एक जीवित मूर्ति के रूप में काम कर रहा है। बल्ली उन्हें अपने साथ उस स्थान पर ले जाता है जहाँ वो रहता है, जहाँ उन्हें एहसास होता है कि उसने जो तस्वीरें भेजी थी वो झूठी थी और वो वास्तव में यूके में अकेले रह रहा है और अन्य कई अवैध लोगों के साथ एक छोटा सा जर्जर घर साझा करता है और अप्रवासी चारपाई बिस्तरों में सोते हैं और पुलिस और अप्रवासन अधिकारियों द्वारा खोजे जाने के लगातार डर में रहते हैं। उनकी मुलाकात एक वकील पुरु पटेल से होती है जो मनु को यूके की नागरिकता पाने के आसान तरीके के रूप में दिखावटी विवाह करने की सलाह देता है और मनु सहमत हो जाता है और एक ड्रग एडिक्ट से शादी कर लेता है। चर्च में रहते हुए ड्रग एक्टिव द्वारा मनु को चूमने की कोशिश से हार्डी क्रोधित हो जाता है और वे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत में पुरु उन्हें यह दावा करके देश में रहने के लिए शरण का अधिकार मांगने की सलाह देता है कि भारत में उनका जीवन खतरे में है और एक पूर्व सेना अधिकारी के रूप में हार्डी अपने देश के साथ विश्वासघात करने से इनकार करते हैं, लेकिन बाकी लोग शरण पाने और इंग्लैंड में बसने के साथ साधन के रूप में सहमत होते हैं। हार्डी को जल्द ही भारत वापस भेज दिया जाएगा जबकि बाकी ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं। शुरू में लिविंग स्टैचू के रूप में काम कर रहे थे। वर्तमान समय में मनु हार्डी से कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है क्योंकि वह ब्रेन ट्यूमर से मर रही है। वह कार्गो कंटेनरों के माध्यम से भारत के लिए रवाना होने की कोशिश करते हैं। वह अंत में आव्रजन अधिकारियों को यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाते हैं कि वह अवैध रूप से लंदन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक थे और इस प्रकार उन्हें भारत भेज दिया जाता है। एक बार जब वे लाटू पहुंचते हैं तो मनु यह जानकर हैरान रह जाती है कि हांडी ने उनके प्यार के कारण कभी शादी नहीं की। हांडी द्वारा उसे प्रपोज करने के कुछ समय ही बाद मनु की बीमारी से मृत्यु हो जाती है और दिवाली की शाम को आतिशबाजी देखते हुए दिल टूट गया। हार्डी ने उसके हाथों में सगाई की अंगूठी डाल दी और उसे गले लगा लिया। और फिल्म का उपसंहार के साथ समाप्त होती है कि लगभग 140 साल दूसरे देशों की यात्रा के लिए कोई वीजा नहीं किया जाता था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो हरदयाल हांडी सिंह ढिल्लों के रूप में शाहरुख खान हैं और मनु रंधावा के रूप में तापसी पन्नू जी हैं। सुखी के रूप में विक्की कौशल हैं और गीतेंद्र गित्तू गुलटी के रूप में और बोमन ईरानी हैं। विक्रम गोचर बलिंदर बुग्गू यानी कि लखनपाल के रूप में हैं और अनिल ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में हैं। ज्योति सुभाष बुग्गू की दादी के रूप में हैं और देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु पटेल के रूप में हैं। मनु के पिता के रूप में मनोज कांत हैं और मनु के बड़े पिता के रूप में अरुण बाली हैं। मनु की मां के रूप में अमरदीप झा हैं। मनु के भाई महेंद्र रंधावा के रूप में सुहेल जरगर हैं और गुलाब नागरा के रूप में विष्णु कौशल हैं। रोहितास गौड़ लाटू में फर्जी वीजा एजेंट के रूप में हैं। भारतीय डंकी एजेंट के रूप में जितेंद्र हुड्डा हैं और सऊदी अरब की डंकी एजेंट बाकिर के रूप में साहिद लतीफ हैं और बुग्गू के पिता के रूप में महावीर भुल्लर हैं और बुग्गी की मां के रूप में शमना शैंड हैं और बल्ली की मां के रूप में जितेंद्र कौर हैं। जेमी हुईल और एक ब्रिटिश न्यायाधीश के रूप में हैं और अतिला अरपा आनंद और लंदन में बुग्गू के प्रबंधक के रूप में हैं। लाटू स्टेशन पर चोर के रूप में निखिल रत्नपार की हैं। सांझा विक्रम सिंह एक दुकान खरीदार के रूप में हैं। लाटू स्टेशन पर सहयात्री के रूप में गुरप्रीत गुग्गी हैं। इन्होंने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में। तो सन 2020 के अंत में यह भी बताया गया था कि राजकुमार हिरानी अपने अगले निर्देशन के लिए शाहरुख खान के साथ सहयोग करेंगे। हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शाहरुख खान को कहानी सुनाई। ये फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग था। खान ने खुलासा किया कि हिरानी ने उन्हें अपनी फिल्मों में मुन्ना भाई MBBS 2003 और 3 Idiots 2009 में भूमिका की पेशकश की थी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अगस्त 2021
तक पटकथा पूरी हो गई और अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा की गई थी। तो हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का सहलेखन किया। सिनेमेटोग्राफी अमित राय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी और उनकी जगह सी के मुरलीधरन को मिला था। लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और थ्री इडियट्स और पी के 2014 के बाद ये हिरानी के साथ उनका चौथा सहयोग था। रिपोर्टरों के अनुसार मानुष नंदन अमित राय और कुमार पंकज को फिल्म में छायाकार के रूप में काम करने का अवसर मिला था। तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। तापसी पन्नू को जनवरी 2021 में मुख्य महिला के रूप में चुना गया था, जो शाहरुख खान के साथ उनका पहला ऑन स्क्रीन सहयोग थी। शाहरुख खान की रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म बदला 2019 का निर्माण किया और विक्की कौशल को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। बोमन ईरानी अक्टूबर 2022 में कलाकारों में शामिल हुए और प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी मुंबई में। मुंबई शेड्यूल जून 2022 में समाप्त हुआ और अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल जुलाई 2022 में शुरू हुआ। फिल्मांकन जुलाई 2022 में बूडापेस्ट और लंदन में हुआ था और एक महीने के बाद पूरा हुआ था। शाहरुख खान की विशेषता वाला एक बाइक अनुक्रम अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था और नवंबर 2022 में सऊदी अरब में 12 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जद्दा और नियोम स्थान शामिल थे। दिसंबर 2022 में जबलपुर मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। जनवरी 2023 में शाहरुख खान की विशेषता वाला अंडर वाटर सीक्वेंस मुंबई में फिल्माया गया था। इसी बीच खान जो एक अन्य प्रोजेक्ट जवान पर भी काम कर रहे थे, अप्रैल 2023 में अपनी शूटिंग पूरी की और उसी महीने टीम 4 दिवसीय कार्यक्रम के लिए कश्मीर चली गई थी, जो श्रीनगर, पंपोर, सोनमार्ग सहित थसजावास, गोलियस और पुलवामा में हुई। गणेश आचार्य द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और एक गीत अनुक्रम कश्मीर में फिल्माया गया था। फिल्मांकन अप्रैल 2023 तक सोनमार्ग कश्मीर में पूरा कर लिया गया था। फिल्म की शूटिंग 75 दिनों में की गई थी, जिसमें शाहरुख खान 60 दिनों तक शूटिंग की थी। कथित तौर पर फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपये है, जिसमें मार्केटिंग लागत भी शामिल है और इस फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम द्वारा रचित है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमन पंत द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक लुट पुट गया 22 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक निकले दा कभी हम घर से 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। तीसरा एकल ओ माई शीर्षक, जिसे 11 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। चौथा एकल शीर्षक बांदा में 18 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था और पांचवा एकल शीर्षक चल वे वतन और छठा एकल शीर्षक मैं तेरा रास्ता था देखूंगा और साउंडट्रैक एल्बम के साथ 20 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 लुट पुट गया, इसे स्वानंद किरकिरे और अभिजीत सिंह ने गाया है। नंबर 2 निकले थे कभी हम घर से, इसे जावेद अख्तर और सोनू निगम जी ने गाया है। नंबर 3 हे माही, इसे इरशाद कामिल और अभिजीत सिंह ने गाया है। नंबर 4 चल वे वतना, इसे अरुण ग्रोवर और जावेद अली दिलजीत दोझांस ने गाया है। नंबर 5 बांदा, इसे दिलजीत दोझांस ने गाया है। नंबर 6 मैं तेरा रास्ता देखूंगा, इसे अभिजीत भट्टाचार्य और विशाल मिश्रा, श्रेया घोषाल, सादा फरीदी और अल्तमस फरीदी जी ने गाया है। नंबर 7 मैं तेरा रास्ता देखूंगा, इसे गाया है सादा फरीदी, अल्तमस फरीदी ने। नंबर 8 वाहेगुरु, इसे गाया है अजय बिजली ने। तो इस फिल्म का टीजर डंकी ड्रब ने एक शीर्षक से 2 नवंबर 2023 को शाहरुख खान ने 58वें जन्मदिन के अवसर पर जारी किया था। 8 ड्रब्स थे और एक के बाद एक जारी किए गए थे। ड्रॉप 2 को 22 नवंबर को लुट पुट गया गाने के रूप में रिलीज किया गया था। ड्रॉप 3 को 1 दिसंबर को निकले थे कभी हम घर से गाने के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर उनकी डंकी टॉप 4 और 5 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। ड्रॉप 5 को 11 दिसंबर को ओ माई गाने के रूप में रिलीज किया गया था। 17 दिसंबर को दुबई में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ड्रॉप 6 को 18 दिसंबर बांदा में गाने के रूप में रिलीज किया गया था। ड्रॉप 7 और ड्रॉप 8 को 20 दिसंबर को चल वे वतना और मैं तेरा रास्ता देखूंगा गाने के रूप में रिलीज किया गया था। तो डंकी को नाटकीय रूप से 21 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म को 2024 तक स्थगित करने की अफवाह थी, जिसका शाहरुख खान ने जवान 2023 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खंडन किया था। तो पेन स्टूडियोज ने पेन
मरुधर एंटरटेनमेंट बैनर के तहत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लिए नाटकीय अधिकार हासिल किए हैं। श्री गोकुलम मूवीज ने तमिलनाडु और केरल में फिल्म के नाटकीय वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। राजश्री पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वितरित किया है। पैरनोमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र के अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। BFX ने पश्चिम बंगाल के एक लिए नाटकीय अधिकार हासिल कर लिए हैं। विदेशी वितरण अधिकार यशराज फिल्म को बेच दिए गए हैं और होम स्क्रीन इंटरटेनमेंट ने फिल्म के सिंगापुर वितरण अधिकार खरीदे हैं, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। एक्शन कट इंटरटेनमेंट ने बांग्लादेश में फिल्म वितरित की है। तो फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय गैर नाटकीय वितरण अधिकार 230 करोड़ में बेचे गए थे, जबकि घरेलू और गैर नाटकीय स्ट्रीमिंग अधिकार जियो सिनेमा द्वारा 155 करोड़ में शामिल किए गए थे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में। तो समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 18 आलोचकों में से 56% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.90 रही है। इंडिया टुडे की तुषार जोशी ने 5 में से 4 स्टार दिए हैं और लिखा है कि 3 इडियट्स या PK की तुलना में डंकी हिरानी का सबसे अच्छा काम नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी मनोरंजन करता है और आपको एक गर्म और अजीब एहसास देता है। टाइम ऑफ इंडिया की श्रीपर्णा सेन गुप्ता ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं और लिखा है कि डंकी की कहानी एक भावात्मक है, दोस्ती रोमांस दिल दहला देने वाली और दिल को छू लेने वाले पलों को एक साथ समेटती है और ट्रेडमार्क हिरानी में शैली इसमें हास्य की भरपूर मात्रा है, जो एक मनोरंजक यात्रा बनाने के लिए व्यंग से भरपूर है और साथ ही साथ फिल्म में मजबूत संदेश भी दिया गया है। पिंक पिला के एक समीक्षक ने इसे आधुनिक समय का क्लासिक माना, लेकिन फिल्म की गति की आलोचना की और बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारों की रेटिंग दी है और लिखा है कि डंकी सही संदेश और भावनाओं की पृष्ठभूमि के साथ फिल्म निर्माण में राजकुमार हिरानी की छाप रखती है। हालांकि यह उनकी पिछली फिल्मों की तरह लेखन के रूप में उत्कृष्ट नहीं है, काफ़ी हद तक खेल बिगड़ता है। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने फिल्म की समीक्षाओं से एक दुनिया के संदेश से प्रसन्न हुए और शाहरुख खान और तापसी पन्नू के प्रदर्शन की प्रशंसा की है और हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने इसे दिल छू लेने वाली कहानी जो भावनाओं से भरपूर है और करार दिया है, लेकिन शाहरुख खान और तापसी पन्नू के प्रदर्शन की प्रशंसा करने के बावजूद वो उनकी केमिस्ट्री से नाखुश थे। NDTV के सैवल चटर्जी का मानना है कि फिल्म की ताकत शाहरुख खान के स्टारडम की सेवा में न रहकर सहायक कलाकारों और विशेषकर विक्की कौशल को चमकने देने की क्षमता में निहित है। फिल्म कंपेनियन के एक समीक्षक का भी मानना था कि कौशल की विशेष उपस्थिति ने सरलीकृत फिल्म को बढ़ाया था। द हिंदू के लिए लिखते हुए अनुज कुमार ने डंकी को हिरानी में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, लेकिन इसमें आपको हंसाने और मंथन करने के लिए पर्याप्त है। मिंट लाउज के उदय भाटिया ने इसकी तुलना सीमा पार करने के लिए एक सीरियाई फिल्म द ड्रुप्स 1973 में नकारात्मक रूप से करते हुए लिखा है कि फिल्म के विपरीत डंकी केवल अवैध अप्रवासन और शरणार्थी संकट में उस हद तक दिलचस्पी रख मानी। डंकी महत्वाकांक्षा से भरपूर है, लेकिन इसका कमजोर आधार इस लगभग 3 घंटे की लंबी यात्रा को दूर के रोमांच में बदल देता है, जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है और इसे खरीदना कठिन हो जाता है। स्काइल इनकी नंदिनी रामनाथन ने फिल्म को सपाट और निराधार कहकर खारिज कर दिया है और कहा है कि अजीब तरह की फिल्म को शाहरुख खान के डिंपल आकर्षण और तापसी पन्नू विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर के उत्साही मोड़ द्वारा संक्षेप में जीवंत किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने इस क्रैशिंग बोर कहकर इसे आलोचना की है और इसे हिरानी की सबसे कमजोर फिल्म बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्णन ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी है और लिखा है कि अवैध आप्रवासन और अनाधिकृत सीमा पर प्रवासी क्रॉसिंग गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन निर्देशक राजकुमार हिरानी ने भावात्मक रूप से आकर्षक कहानी के साथ उन्हें मानवी बना दिया है। द नेशनल के डेविड ड्यूसिंग ने लिखा है कि डंकी के साथ शाहरुख खान पूरे दिल से एक मानविक आप्रवासन कहानी पेश करते हैं जो दर्शकों को प्रभावित करेगी। तो डंकी ने बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्म के लिए अब तक की 13वीं सबसे बड़ी अग्रिम बुकिंग थी। अपनी शुरुआती दिन में इसने भारत में कुल 28 करोड़ US 3.5 मिलियन की कमाई की। इसके दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 20 करोड़ US 2.5 मिलियन और 24.5 करोड़ US 3.1 मिलियन का शुद्ध
घरेलू संग्रह था। 1 जनवरी 2024 तक डंकी ने भारत में 226.88 करोड़ US 28 मिलियन की कमाई की है। इसके अलावा विदेशों में 173.49 करोड़ US 22 मिलियन की कमाई की है और दुनिया भर में अनुमानित 400.37 करोड़ US 50 मिलियन की कमाई की है। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन में इतिहास को देखते हुए पता चला है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती हैं, खासकर समाज की कुरीतियों या मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी के भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है। वजह है कि उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं, ये पहली बार होगा जब शाहरुख खान किसी फिल्म का निर्देशन हिरानी करेंगे। इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है, यानी कि निर्देशक अभिनेता की ये जोड़ी फिल्म को क्रिसमस के दौरान रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर एक नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहेगी। हालांकि फैंस के मन में अभी भी ये सवाल है कि आखिर फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है और इसकी कहानी से शीर्षक का क्या संबंध है, तो फिल्म का टाइटल डंकी रखने की क्या वजह है। तो राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन में इतिहास को देखें तो पता चला है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती हैं, खासकर समाज की कुरीतियों या मान्यताओं को चुनौती देने वाली होती हैं। इसी कड़ी में डंकी के सभी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर खानों से मिली जानकारी से हिसाब से डंकी असल में एक कोड वर्ड है। ये कोड आया है डंकी प्लाइट शब्द से, जिसे ईगल बॉर्डर इग्रीग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके पर तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारतीय लहजे में डंकी को डंकी बोला जाता है, इसीलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी के प्लाइट्स के मुद्दे को उभार और उभरती नजर आएगी। आखिरकार क्या होती है डंकी प्लाइट्स, क्यों ये बड़ी समस्या है? तो डंकी प्लाइट्स का अर्थ है सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचना नहीं, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने की किसी भी तरीके को डंकी प्लाइट्स कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी मुद्दे के द्वारा किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को अवैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वह दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी प्लाइट्स कहा जाता है। डंकी प्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं। डंकी प्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है। यहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी प्लाइट्स का सहारा लेते हैं। इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वालों में 5वें नंबर पर है। इससे पहले मैक्सिको, ग्वेटेमाला, अल सल्वाडोर और होडारास जैसे देश का नाम है। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवा सबसे ज़्यादा इन डंकी प्लांट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। तो हिरानी की फिल्म के टाइटल और अनाउंसमेंट के पोस्टरों को देखा जाए तो साफ है कि यह फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश करने वालों पर ही आधारित है। पोस्टर में रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच कई लोगों को पैदल यात्रा करते देखा जा सकता है। साथ ही साथ रेगिस्तान के टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है। शाहरुख खान की एक फिल्म सिनेमाई घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का नाम है डंकी। इस फिल्म में जिस चीज की कहानी है वो डंकी रूट की। डंकी रूट एक ऐसा रास्ता है जिस पर जाते वक्त हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल ये लाखों लोगों के उस सपने से जुड़ा हुआ है जिसमें वे मानते हैं कि अगर अमेरिका, यूरोप या कनाडा चले जाएं तो जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ, जब आमतौर पर लोगों का वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है तब एजेंट्स लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं जिस पर जाने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही साथ अमेरिका और कनाडा में घुस पाने की संभावना भी बेहद कम होती है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों में अमेरिका या कनाडा जाने का बहुत क्रेज है। इस कारण इन राज्यों में IELTS कोचिंग के नाम पर बड़ा व्यापार चल रहा है। कई बार लोग शिक्षा को कई
बार बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में बेतहाशा मौजूदा वीजा एजेंट इसका फायदा उठाते हैं। ये एजेंट पहले तो लोगों से पैसा लेते हैं और फिर वीजा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वीजा आमतौर पर रिजेक्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लोगों का विदेश जाने का सपना और प्रबल हो जाता है। इसके बाद लोगों को कोई रास्ता जब नहीं सूझता तो वीजा एजेंट लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं। तो डंकी शब्द एक गधे का एक क्षेत्रीय उच्चारण है। डंकी एक पंजाबी मुहावरे से बना है जिसका अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आसान शब्दों में कहें तो जब लोगों को अलग अलग देशों में रुकते रुकाते हुए अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे डंकी रूट कहते हैं। पंजाबी में डंकी शब्द का अर्थ है कूद कर, फांद कर, फुदक कर, अवैध तरीके से किसी स्थान पर जाना और अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में पहुंचने का यह एक खतरनाक रास्ता है जिसे अवैध इमिग्रेशन भी कहा जाता है। इन रास्तों के जरिए लोगों को अवैध रास्तों से होते हुए कनाडा, अमेरिका या यूरोप भेजा जाता है। दरअसल डंकी रूट का कुल खर्चा 20 लाख से लेकर करोड़ों रुपए का है। अमेरिका, कनाडा जाने की चाह में हर साल लोग इस जाल में फंस जाते हैं और इस रूट के तहत पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कई इलाकों से लोग पहले तो दिल्ली पहुंचते हैं, इसके बाद इन्हीं दिल्ली से विमान में बैठाकर किसी लैटिन अमेरिकन यानी दक्षिण अमेरिकी देश भेजा जाता है जो कि कोलंबिया के करीब हैं। इन देशों में इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, ब्राज़ील और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। इसके बाद इन्हें यहाँ एक एजेंट अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कराता है जो अगले देश के बॉर्डर पर यात्रियों का साथ छोड़ देता है। इसके बाद अन्य देश में मिलवाने के एजेंट एक कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराते हैं। इसके बाद शुरू होता है खतरनाक मौत का सफर। पनामा में प्रवेश के साथ ही रास्ते में डेरियन गैप को पार करना होता है। दरअसल कोलंबिया और पनामा के बीच एक विशालकाय जंगल है। इस जंगल को पनामा का जंगल या डेरियन गैप कहते हैं। इस जंगल में कई नदियां हैं, जहरीले और खतरनाक जीव जंतु, लुटेरे, डकैत इत्यादि सब इस जंगल में जो नहीं है वे रास्ते, लाइट, आधारभूत सुविधाएं, कई सौ किलोमीटर में फैले हुए इस जंगल के रास्ते को कई दिनों तक पैदल चलकर पार करना होता है। इस दौरान खाना पानी के बगैर जानवरों के हमले, लुटेरों के हमले के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। कई बार जहरीले जानवरों लोगों को मार डालते हैं तो कई बार लुटेरे लोग के कपड़े तक लूट लेते हैं और इस कारण हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। डेरियन गैप को पार करने में ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद बचे खुचे लोग अगर वहाँ से निकल भी गए तो उन्हें मैक्सिको तक नाव में ढूंसकर मजदूरों और जानवरों की तरह लाया जाता है। मैक्सिको में आने के बाद तो उन्हें 30 फीट ऊंची दीवार कूदानी पड़ती है जिसमें गिरकर उनकी मौत हो जाती है, या फिर अगर उन्हें किसी तरह मैक्सिको और अमेरिकी बॉर्डर को पार करा लिया तो उन्होंने मैक्सिको या अमेरिकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है जिसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया जाता है जिसकी हालत जेल से भी बदतर होती है। इसके बाद उन लोगों की पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होती है जहां उन्हें मजिस्ट्रेट को यह भी भरोसा दिलाना होता है कि भारत सरकार ने उनके साथ गलत किया है। ऐसे में अधिकांश समय यह होता है कि मजिस्ट्रेट इन दावों को झूठा पाते हैं और उन्हें वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर मजिस्ट्रेट इस बात पर सहमति देता है कि आज भारतीय यात्रियों को अमेरिका में शरण दी जाए तो इसके बाद 20 से अधिक साल तक वो यात्री भारत नहीं आ सकता चाहे कुछ हो जाए। शरणार्थी बनने के नियम के तहत उन नियमों को पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा शरणार्थी की मांग को खारिज कर दिया जाता है। डंकी रूट का सबसे बड़ा नुकसान है लोगों के पैसे और जान का। अवैध तरीके से अमेरिका, कनाडा जाने के लिए कम से कम 20 लाख और अधिकांश करोड़ों रुपये तक खर्च लगता है, बावजूद उन्हें कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है और कई लोग इस रूट में जान गवा देते हैं। इतना ही नहीं, अधिकांश लोग फिर मैक्सिको या फिर अमेरिका पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं जिसके द्वारा वापस भारत भेज दिए जाते हैं। रूप में प्रस्तुत है और बोमन ईरानी भी हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी ने और इस फिल्म को लिखा है राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी, कनिका ढिल्लो ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है ज्योति देशपांडे, गौरी खान और राजकुमार हिरानी ने और इस फिल्म को अभिनीत किया है शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बोमन ईरानी जी ने और इस फिल्म को छायांकित किया है सी के मुरलीधरन और मानुष नंदन और अमित राय जी ने और इस फिल्म को संपादित किया है राजकुमार हिरानी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम जी ने और स्कोर है अमन पंत का। उत्पादन कंपनी है जियो स्टूडियोज, रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी की फिल्म्स है।
तो फ्रेंड्स, ये मूवी रिलीज हुई थी 21 दिसंबर 2023 को देश भारत भाषा हिंदी में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 120 करोड़ रुपए का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 400.37 करोड़ का। तो फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में आधिकारिक शीर्षक के साथ की गई थी और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी जो मुंबई, जबलपुर, कश्मीर, बुडापेस्ट, लंदन, जेद्दाह, नियोम में हुई थी और अप्रैल 2023 में पूरी हुई है। साउंड ट्रैक की रचना प्रीतम ने की थी जबकि अमन पंत ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। सीके मुरलीधरन, मानुष नंदन और अमित राय ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी संभाली है। तो डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं और इसने 120 करोड़ रुपए के बजट पर बनी फिल्म है जिसके उत्पादन और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 400.37 करोड़ यूएस 50 मिलियन से अधिक की कमाई की है। यह 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है जिसे 2023 की नवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की 29वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी है। तो फैंस, बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो सन 2020 में वृद्ध मनु रंधावा यानी कि तापसी पन्नू लंदन के एक अस्पताल से भाग जाते हैं और एक आवर्जन वकील पुरु पटेल यानी कि देवेन भोजानी से मिलते हैं और वह उससे अपने पूर्व प्रेमी हरदयाल हांडी यानी कि सिंह ढिल्लो यानी कि शाहरुख खान से मिलने में सहायता का अनुरोध करती हैं। पंजाब के लाटू में एक वृद्ध हार्डी 25 साल बाद मनु का फोन पाकर बहुत खुश है और वह उसे दुबई में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीजा नहीं मिल पा रहा है। सन 1995 में मनु और उसके दोस्त बुग्गू यानी कि विक्रम कोचर और बल्ली लाटू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवास करने के लिए उत्सुक हैं। करीब और अशिक्षित विभिन्न तरीकों की कोशिश करने के बावजूद वीजा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। एक दिन हांडी एक पूर्व सेना अधिकारी उनके गांव में आते हैं और मनु के भाई महिंदर ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी और वो अपना निजी सामान वापस करने के लिए वापस आ गए हैं, लेकिन उसे पता चला है कि महिंदर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है जिससे मनु और उसके परिवार की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचने में मदद करने का वादा किया और उन्होंने बताया कि IELTS परीक्षा पास करने से यूके का छात्र वीजा प्राप्त करना आसान हो जाता है, इसीलिए गीतू गुलाटी यानी कि बोमन ईरानी द्वारा पढ़ाए जाने वाले IELTS कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है सुखी यानी कि विक्की कौशल से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका को बचाने के लिए लंदन में बसना चाहता है जिसकी शादी एक NRI व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण करता था और अंत में बल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है और बाकी सभी असफल हो जाते हैं। एक बार लंदन में बल्ली ने एक बड़े घर और एक कार के सामने अपनी तस्वीर भेजी जिससे भारत में उसके दोस्तों और परिवार को विश्वास हो गया कि उसने ब्रिटेन में कुछ बड़ा कर लिया है और वो खुशी को यह बताता है कि खुशी के IELTS में असफल होने के बारे में जानने के बाद उसकी पूर्व प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली है जिसके कारण सुखी ने आत्मदाह कर लिया और आहत होकर हांडी ने मनु और बग्गू को डंकी मार्ग से स्वयं लंदन ले जाने का वादा किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के माध्यम से एक विश्वासघाती यात्रा के बाद जिसके दौरान उनके 3 यात्री मारे गए थे और हार्डी ने मनु को यौन उत्पीड़न से बचाया और अंत में वे लंदन पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात बल्ली से होती है जो एक जीवित मूर्ति के रूप में काम कर रहा है। बल्ली उन्हें अपने साथ उस स्थान पर ले जाता है जहां वो रहता है जहां उन्हें एहसास होता है कि उसने जो तस्वीरें भेजी थी वो झूठी थी और वो वास्तव में यूके में अकेले रहा है और अन्य कई अवैध लोगों के साथ एक छोटा सा जर्जर घर साझा करता है और अप्रवासी चारपाई बिस्तरों में सोते हैं और पुलिस और अप्रवासन अधिकारियों द्वारा खोजा जाने के लगातार डर में रहते हैं। उनकी मुलाकात एक वकील पुरु पटेल से होती है जो मनु को यूके की नागरिकता पाने के आसान तरीके के रूप में दिखावटी विवाह करने की सलाह देता है और मनु सहमत हो जाता है और एक ड्रग एडिक्ट से शादी कर लेता है। मनु सहमत हो जाती है और एक ड्रग एडिक्ट से शादी कर लेता है। चर्च में रहते हुए ड्रग एक्टिव द्वारा मनु को चूमने की कोशिश से हार्डी क्रोधित हो जाता है और वे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जिसके कारण उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत में पुरु उन्हें यह दावा करके देश में रहने के लिए शरण का अधिकार मांगने की सलाह देता है।
कि भारत में उनका जीवन खतरे में है और एक पूर्व सेना अधिकारी के रूप में हांडी अपने देश के साथ विश्वासघात करने से इनकार करते हैं, लेकिन बाकी लोग शरण पाने और इंग्लैंड में बसने के साथ साधन के रूप में सहमत होते हैं। हांडी को जल्द ही भारत वापस भेज दिया जाएगा, जबकि बाकी ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं। शुरू में लिविंग स्टैचू के रूप में काम कर रहे थे। वर्तमान समय में मनु हांडी से कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है, क्योंकि वह ब्रेन ट्यूमर से मर रही है। वह कार्गो कंटेनरों के माध्यम से भारत के लिए रवाना होने की कोशिश करते हैं। वह अंत में आव्रजन अधिकारियों को यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाते हैं कि वह अवैध रूप से लंदन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक थे, और इस प्रकार उन्हें भारत भेज दिया जाता है। एक बार जब वे लाटू पहुंचते हैं तो मनु यह जानकर हैरान रह जाती है कि हांडी ने उनके प्यार के कारण कभी शादी नहीं की। हांडी द्वारा उसे प्रपोज करने के कुछ समय ही बाद मनु की बीमारी से मृत्यु हो जाती है, और दिवाली की शाम को आतिशबाजी देखते हुए दिल टूट गया। हांडी ने उसके हाथों में सगाई की अंगूठी डाल दी और उसे गले लगा लिया। हाथों में सगाई की अंगूठी डाल दी और फिल्म का उपसंहार के साथ समाप्त होती है कि लगभग 140 साल दूसरे देशों की यात्रा के लिए कोई वीजा नहीं किया जाता था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है। तो उनके बारे में, तो हरदयाल हांडी सिंह ढिल्लों के रूप में शाहरुख खान हैं, और मनु रंधावा के रूप में तापसी पन्नू जी हैं। सुखी के रूप में विक्की कौशल हैं, और गीतेंद्र गित्तू गुलटी के रूप में और बोमन ईरानी हैं। विक्रम गोचर बलिंदर बुग्गू यानी कि लखनपाल के रूप में हैं, और अनिल ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में हैं। ज्योति सुभाष बुग्गू की दादी के रूप में हैं, और देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु पटेल के रूप में हैं। मनु के पिता के रूप में मनोज कांत हैं, और मनु के बड़े पिता के रूप में अरुण बाली हैं। मनु की मां के रूप में अमरदीप झा हैं। मनु के भाई महेंद्र रंधावा के रूप में सुहेल जरगर हैं, और गुलाब नागरा के रूप में विष्णु कौशल हैं। रोहितास गौड़ लाटू में फर्जी वीजा एजेंट के रूप में हैं। भारतीय डंकी एजेंट के रूप में जितेंद्र हुड्डा हैं, और सऊदी अरब की डंकी एजेंट बाकिर के रूप में शाहिद लतीफ हैं, और बुग्गू के पिता के रूप में महावीर भुल्लर हैं, और बुग्गी की मां के रूप में शमना शंड हैं, और बल्ली की मां के रूप में जितेंद्र कौर हैं। जेमी हुईल और एक ब्रिटिश न्यायाधीश के रूप में हैं, और अतिला अरपा आनंद और लंदन में बुग्गू के प्रबंधक के रूप में हैं। लाटू स्टेशन पर चोर के रूप में निखिल रत्न पारखी हैं। सांझा विक्रम सिंह एक दुकान खरीदार के रूप में हैं। लाटू स्टेशन पर सहयात्री के रूप में गुरप्रीत गुग्गी हैं। इन्होंने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में। तो सन 2020 के अंत में यह भी बताया गया था कि राजकुमार हिरानी अपने अगले निर्देशन के लिए शाहरुख खान के साथ सहयोग करेंगे। हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शाहरुख खान को कहानी सुनाई। ये फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग था। खान ने खुलासा किया कि हिरानी ने उन्हें अपनी फिल्मों में मुन्ना भाई MBBS 2003 और 3 Idiots 2009 में भूमिका की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी हो गई और अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा की गई थी। तो हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया। सिनेमेटोग्राफी अमित राय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी और उनकी जगह CK मुरलीधरन को मिला था। लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और 3 Idiots और PK 2014 के बाद ये हिरानी के साथ उनका चौथा सहयोग था। रिपोर्टरों के अनुसार मानुष नंदन अमित राय और कुमार पंकज को फिल्म में छायाकार के रूप में काम करने का अवसर मिला था। तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। तापसी पन्नू को जनवरी 2021 में मुख्य महिला के रूप में चुना गया था, जो शाहरुख खान के साथ उनका पहला ऑन स्क्रीन सहयोग थी। शाहरुख खान की रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म बदला 2019 का निर्माण किया, और विक्की कौशल को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। बोमन ईरानी अक्टूबर 2022 में कलाकारों में शामिल हुए, और प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी मुंबई में। मुंबई शेड्यूल जून 2022 में समाप्त हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल जुलाई 2022 में शुरू हुआ। फिल्मांकन जुलाई 2022 में बूडापेस्ट और लंदन में हुआ था, और एक महीने के बाद पूरा हुआ था। शाहरुख खान की विशेषता वाला एक बाइक अनुक्रम अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था, और नवंबर 2022 में सऊदी अरब में 12 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जद्दा और नियोम स्थान शामिल थे। दिसंबर 2022 में जबलपुर मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। जनवरी 2023 में शाहरुख खान की विशेषता वाला
अंडरवाटर सीक्वेंस मुंबई में फिल्माया गया था। इसी बीच खान जो एक अन्य प्रोजेक्ट जवान पर भी काम कर रहे थे अप्रैल 2023 में अपनी शूटिंग पूरी की और उसी महीने टीम 4 दिवसीय कार्यक्रम के लिए कश्मीर चली गई थी जो श्रीनगर पंपोर सोनमार्ग सहित थसजावास गोलियस और पुलवामा में हुई। गणेश आचार्य द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और एक गीत अनुक्रम कश्मीर में फिल्माया गया था। फिल्मांकन अप्रैल 2023 तक सोनमार्ग कश्मीर में पूरा कर लिया गया था। फिल्म की शूटिंग 75 दिनों में की गई थी जिसमें शाहरुख खान 60 दिनों तक शूटिंग की थी। कथित तौर पर फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपये है जिसमें मार्केटिंग लागत भी शामिल है और इस फिल्म का साउंड ट्रैक प्रीतम द्वारा रचित है जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमन पंत द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक लुट पुट गया 22 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक निकले दा कभी हम घर से 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। तीसरा एकल ओ माई शीर्षक जिसे 11 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। चौथा एकल शीर्षक बांदा में 18 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था और पांचवा एकल शीर्षक चल वे वतन और छठा एकल शीर्षक मैं तेरा रास्ता था देखूंगा और साउंडट्रैक एल्बम के साथ 20 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 लुट पुट गया, इसे स्वानंद किरकिरे और अभिजीत सिंह ने गाया है। नंबर 2 निकले थे कभी हम घर से, इसे जावेद अख्तर और सोनू निगम जी ने गाया है। नंबर 3 हे माही, इसे इरशाद कामिल और अभिजीत सिंह ने गाया है। नंबर 4 चल वे वतना, इसे अरुण ग्रोवर और जावेद अली दिलजीत दोझांस ने गाया है। नंबर 5 बांदा, इसे दिलजीत दोझांस ने गाया है। नंबर 6 मैं तेरा रास्ता देखूंगा, इसे अभिजीत भट्टाचार्य और विशाल मिश्रा श्रेया घोषाल सादा फरीदी और अल्तमस फरीदी जी ने गाया है। नंबर 7 मैं तेरा रास्ता देखूंगा, इसे गाया है सादा फरीदी अल्तमस फरीदी ने। नंबर 8 वाहेगुरु, इसे गाया है अजय बिजली ने। तो इस फिल्म का टीजर डंकी ड्रब ने एक शीर्षक से 2 नवंबर 2023 को शाहरुख खान ने 98वें जन्मदिन के अवसर पर जारी किया था। 8 ड्रब्स थे और एक के बाद एक जारी किए गए थे। ड्रब 2 को 22 नवंबर को लुट पुट गया गाने के रूप में रिलीज किया गया था। ड्रब 3 को 1 दिसंबर को निकले थे कभी हम घर से गाने के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर उनकी डंकी टॉप 4 और 5 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। ड्रॉप 5 को 11 दिसंबर को ओ माई गाने के रूप में रिलीज किया गया था। 17 दिसंबर को दुबई में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ड्रॉप 6 को 18 दिसंबर बांदा में गाने के रूप में रिलीज किया गया था। ड्रॉप 7 और ड्रॉप 8 को 20 दिसंबर को चल वे वतना और मैं तेरा रास्ता देखूंगा गाने के रूप में रिलीज किया गया था। तो डंकी को नाटकीय रूप से 21 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म को 2024 तक स्थगित करने की अफवाह थी जिसका शाहरुख खान ने जवान 2023 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खंडन किया था। तो पेन इंस्टीट्यूट ने पेन मरुधर एंटरटेनमेंट बैनर के तहत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लिए नाटकीय अधिकार हासिल किए हैं। श्री गोकुलम मूवीज ने तमिलनाडु और केरल में फिल्म के नाटकीय वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। राजश्री पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वितरित किया है। पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र के अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। BFX ने पश्चिम बंगाल के एक लिए नाटकीय अधिकार हासिल कर लिए हैं। विदेशी वितरण अधिकार यशराज फिल्म को बेच दिए गए हैं और होम स्क्रीन इंटरटेनमेंट ने फिल्म के सिंगापुर वितरण अधिकार खरीदे हैं जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। एक्शन कट एंटरटेनमेंट ने बांग्लादेश में फिल्म वितरित की है। तो फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय गैर नाटकीय वितरण अधिकार 230 करोड़ में बेचे गए थे जबकि घरेलू और गैर नाटकीय स्ट्रीमिंग अधिकार जियो सिनेमा द्वारा 155 करोड़ में शामिल किए गए थे। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के स्वागत समारोह के बारे में। तो समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 18 आलोचकों में से 56% समीक्षाएं सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग 5.90 रही है। इंडिया टुडे के तुषार जोशी ने 5 में से 4 स्टार दिए हैं और लिखा है कि 3 इडियट्स या PK की तुलना में डंकी हिरानी का सबसे अच्छा काम नहीं हो सकता है लेकिन यह अभी भी मनोरंजक करता है और आपको एक गर्म और अजीब एहसास देता है। टाइम ऑफ इंडिया की श्री प्रणा सेन गुप्ता ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं और लिखा है कि डंकी की कहानी एक भावात्मक है, दोस्ती रोमांस दिल दहला देने वाली और दिल को छू लेने वाले
पलों को एक साथ समेटती है और ट्रेडमार्क हिरानी में शैली इसमें हास्य की भरपूर मात्रा है जो एक मनोरंजक यात्रा बनाने के लिए व्यंग से भरपूर है और साथ ही साथ फिल्म में मजबूत संदेश भी दिया गया है। पिंक पीला के एक समीक्षक ने इसे आधुनिक समय का क्लासिक माना, लेकिन फिल्म की गति की आलोचना की और बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 सितारों की रेटिंग दी है और लिखा है कि डंकी सही संदेश और भावनाओं की पृष्ठभूमि के साथ फिल्म निर्माण में राजकुमार हिरानी की छाप रखती है। हालांकि यह उनकी पिछली फिल्मों की तरह लेखन के रूप में उत्कृष्ट नहीं है, काफ़ी हद तक खेल बिगड़ता है। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने फिल्म की समीक्षाओं से एक दुनिया के संदेश से प्रसन्न हुए और शाहरुख खान और तापसी पन्नू के प्रदर्शन की प्रशंसा की है और हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने इसे दिल छू लेने वाली कहानी जो भावनाओं से भरपूर है और करार दिया है। लेकिन शाहरुख खान और तापसी पन्नू के प्रदर्शन की प्रशंसा करने के बावजूद वो उनकी केमिस्ट्री से नाखुश थे। NDTV के सैवल चटर्जी का मानना है कि फिल्म की ताकत शाहरुख खान के स्टारडम की सेवा में न रहकर सहायक कलाकारों और विशेषकर विक्की कौशल को चमकने देने की क्षमता में निहित है। फिल्म कंपेनियन के एक समीक्षक का भी मानना था कि कौशल की विशेष उपस्थिति ने सरलीकृत फिल्म को बढ़ाया था। द हिंदू के लिए लिखते हुए अनुज कुमार ने डंकी को हिरानी में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, लेकिन इसमें आपको हंसाने और मंथन करने के लिए पर्याप्त है। मिंट लाउज के उदय भाटिया ने इसकी तुलना सीमा पार करने के लिए एक सीरियाई फिल्म द ड्रुप्स 1973 में नकारात्मक रूप से करते हुए लिखा है कि फिल्म के विपरीत डंकी केवल अवैध अप्रवासन और शरणार्थी संकट में उस हद तक दिलचस्पी रखती हैं जहां तक कि अनुमानित देती हैं। हिरानी और शाहरुख खान आमने सामने होंगे। Redpi.com की सुकन्या वर्मा ने डंकी महत्वाकांक्षा से भरपूर है, लेकिन इसका कमजोर आधार इस लगभग 3 घंटे की लंबी यात्रा को दूर के रोमांच में बदल देता है, जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है और इसे खरीदना कठिन हो जाता है। स्काइल इनकी नंदनी रामनाथन ने फिल्म को सपाट और निराधार कहकर खारिज कर दिया है और कहा है कि अजीब तरह की फिल्म को शाहरुख खान के डिंपल आकर्षण और तापसी पन्नू विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर के उत्साही मोड़ द्वारा संक्षेप में जीवंत किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने इस क्रैशिंग बोर कहकर इसे आलोचना की है और इसे हिरानी की सबसे कमजोर फिल्म बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्णन ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी है और लिखा है कि अवैध आप्रवासन और अनाधिकृत सीमा पर प्रवासी क्रॉसिंग गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन निर्देशक राजकुमार हिरानी ने भावात्मक रूप से आकर्षक कहानी के साथ उन्हें मानवीय बना दिया है। द नेशनल के डेविड ड्यूसिंग ने लिखा है कि डंकी के साथ शाहरुख खान पूरे दिल से एक मानविक आप्रवासन कहानी पेश करते हैं जो दर्शकों को प्रभावित करेगी। तो डंकी ने बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्म के लिए अब तक की 13वीं सबसे बड़ी अग्रिम बुकिंग थी। अपनी शुरुआती दिन में इसने भारत में कुल 28 करोड़ US 3.5 मिलियन की कमाई की। इसके दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 20 करोड़ US 2.5 मिलियन और 24.5 करोड़ US 3.1 मिलियन का शुद्ध घरेलू संग्रह था। 1 जनवरी 2024 तक डंकी ने भारत में 226.88 करोड़ US 28 मिलियन की कमाई की है। इसके अलावा विदेशों में 173.49 करोड़ US 22 मिलियन की कमाई की है और दुनिया भर में अनुमानित 400.37 करोड़ US 50 मिलियन की कमाई की है। राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन में इतिहास को देखते हुए पता चला है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती हैं, खासकर समाज की कुरीतियों या मान्यताओं को चुनौती देने वाली। इसी कड़ी में डंकी के भी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है। वजह है कि उनकी आने वाली फिल्म डंकी, जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में से एक राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं, यह पहली बार होगा जब शाहरुख खान किसी फिल्म का निर्देशन हिरानी करेंगे। इस फिल्म की रिलीज 22 दिसंबर 2023 को तय की गई है, यानी कि निर्देशक अभिनेता कि ये जोड़ी फिल्म को क्रिसमस के दौरान रिलीज कर बॉक्स ऑफिस पर एक नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहेगी। हालांकि फैंस के मन में अभी भी ये सवाल है कि आखिर फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है और इसकी कहानी से शीर्षक का क्या संबंध है, तो फिल्म का टाइटल डंकी रखने की क्या वजह है। तो राजकुमार हिरानी के अब तक के निर्देशन में इतिहास को देखें तो पता चला है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों को लेकर होती हैं, खासकर समाज की कुरीतियों या मान्यताओं को चुनौती देने वाली होती हैं। इसी कड़ी में डंकी के सभी सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बॉलीवुड के अंदर खानों से मिली जानकारी से हिसाब से डंकी असल में एक कोड वर्ड है। ये कोड आया है डंकी प्लाइट शब्द से, जिसे ईगल बॉर्डर
इग्रीग्रेशन यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके पर तौर पर भी जाना जाता है। चूंकि भारतीय लहजे में डंकी को डंकी बोला जाता है, इसीलिए फिल्म का टाइटल डंकी रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार हिरानी की फिल्म इसी डंकी के प्लाइट्स के मुद्दे को उभार और उभरती नजर आएगी। आखिरकार क्या होती है डंकी प्लाइट्स, क्यों ये बड़ी समस्या है? तो डंकी प्लाइट्स का अर्थ है सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुँच कहा जाता है। सीधे शब्दों में यह अप्रवासियों के लिए किसी भी मुद्दे के द्वारा किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को अवैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती, वह दूसरे देशों से मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी प्लाइट्स कहा जाता है। डंकी प्लाइट्स की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह अपने सपनों के देश में जाने की कोशिश करते हैं। डंकी प्लाइट्स के शिकारों में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। भारत में यह समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली है। यहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी प्लाइट्स का सहारा लेते हैं। इस समस्या को आंकड़ों के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है कि भारत इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वालों में पांचवें नंबर पर है। इससे पहले मैक्सिको, ग्वेटेमाला, अल सल्वाडोर और होडारास जैसे देश का नाम है। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवा सबसे ज़्यादा इन डंकी प्लाइट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। तो हिरानी की फिल्म के टाइटल और अनाउंसमेंट के पोस्टरों को देखा जाए तो साफ है कि यह फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश करने वालों पर ही आधारित है। पोस्टर में रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच कई लोगों को पैदल यात्रा करते देखा जा सकता है। साथ ही साथ रेगिस्तान के टीलों के तौर पर फिल्म का टाइटल डंकी यानी डंकी उभरा दिखाई देता है। शाहरुख खान की एक फिल्म सिनेमाई घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का नाम है डंकी। इस फिल्म में जिस चीज़ की कहानी है वो डंकी रूट की। डंकी रूट एक ऐसा रास्ता है जिस पर जाते वक्त हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल ये लाखों लोगों के उस सपने से जुड़ा हुआ है जिसमें वे मानते हैं कि अगर अमेरिका, यूरोप या कनाडा चले जाएँ तो जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ, जब आमतौर पर लोगों का वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है तब एजेंट्स लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं जिस पर जाने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही साथ अमेरिका और कनाडा में घुस पाने की संभावना भी बेहद कम होती है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों में अमेरिका या कनाडा जाने का बहुत क्रेज है। इस कारण इन राज्यों में IELTS कोचिंग के नाम पर बड़ा व्यापार चल रहा है। कई बार लोग शिक्षा को कई बार बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में बेतहाशा मौजूदा वीज़ा एजेंट इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये एजेंट पहले तो लोगों से पैसा लेते हैं और फिर वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वीज़ा आमतौर पर रिजेक्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लोगों का विदेश जाने का सपना और प्रबल हो जाता है। इसके बाद लोगों को कोई रास्ता जब नहीं सूझता तो वीज़ा एजेंट लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं। तो डंकी शब्द एक गधे का एक क्षेत्रीय उच्चारण है। डंकी एक पंजाबी मुहावरे से बना है जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आसान शब्दों में कहें तो जब लोगों को अलग अलग देशों में रुकते रुकाते हुए अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे डंकी रूट कहते हैं। पंजाबी में डंकी शब्द का अर्थ है कूद कर, फांद कर, फुदक कर, अवैध तरीके से किसी स्थान पर जाना और अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में पहुंचने का यह एक खतरनाक रास्ता है जिसे अवैध इमिग्रेशन भी कहा जाता है। इन रास्तों के जरिए लोगों को अवैध रास्तों से होते हुए कनाडा, अमेरिका या यूरोप भेजा जाता है। दरअसल डंकी रूट का कुल खर्चा 20 लाख से लेकर करोड़ों रुपए का है। अमेरिका, कनाडा जाने की चाह में हर साल लोग इस जाल में फंस जाते हैं और इस रूट के तहत पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कई इलाकों से लोग पहले तो दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद इन्हीं दिल्ली से विमान में बैठाकर किसी लैटिन अमेरिकन यानी दक्षिण अमेरिकी देश भेजा जाता है जो कि कोलंबिया के करीब हैं। इन देशों में इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, ब्राज़ील और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। इसके बाद इन्हें यहाँ एक एजेंट अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कराता है जो अगले देश के बॉर्डर पर यात्रियों का साथ छोड़ देता है। इसके बाद अन्य देश
में मिलवाने के एजेंट एक कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराते हैं। इसके बाद शुरू होता है खतरनाक मौत का सफर। पनामा में प्रवेश के साथ ही रास्ते में डेरियन गैप को पार करना होता है। दरअसल कोलंबिया और पनामा के बीच एक विशाल का जंगल है। इस जंगल को पनामा का जंगल या डेरियन गैप कहते हैं। इस जंगल में कई नदियां हैं, जहरीले और खतरनाक जीव जंतु, लुटेरे, डकैत इत्यादि सब इस जंगल में जो नहीं है वे रास्ते, लाइट, आधारभूत सुविधाएं, कई सौ किलोमीटर में फैले हुए इस जंगल के रास्ते को कई दिनों तक पैदल चलकर पार करना होता है। इस दौरान खाना पानी के बगैर जानवरों के हमले, लुटेरों के हमले के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। कई बार जहरीले जानवरों लोगों को मार डालते हैं तो कई बार लुटेरे लोग के कपड़े तक लूट लेते हैं और इस कारण हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। डेरियन गैप को पार करने में ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद बचे खुचे लोग अगर वहाँ से निकल भी गए तो उन्हें मैक्सिको तक नाव में ढूंस कर मजदूरों और जानवरों की तरह लाया जाता है। मैक्सिको में आने के बाद तो उन्हें 30 फीट ऊंची दीवार कूदानी पड़ती है जिसमें गिरकर उनकी मौत हो जाती है, या फिर अगर उन्हें किसी तरह मैक्सिको और अमेरिकी बॉर्डर को पार करा लिया तो उन्होंने मैक्सिको या अमेरिकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसकी हालत जेल से भी बदतर होती है। इसके बाद उन लोगों की पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होती है, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट को यह भी भरोसा दिलाना होता है कि भारत सरकार ने उनके साथ गलत किया है। ऐसे में अधिकांश समय यह होता है कि मजिस्ट्रेट इन दावों को झूठा पाते हैं और उन्हें वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर मजिस्ट्रेट इस बात पर सहमति देता है कि आज भारतीय यात्रियों को अमेरिका में शरण दी जाए तो इसके बाद 20 से अधिक साल तक वो यात्री भारत नहीं आ सकता, चाहे कुछ हो जाए। शरणार्थी बनने के नियम के तहत उन नियमों को पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा शरणार्थी की मांग को खारिज कर दिया जाता है। डंकी रूट का सबसे बड़ा नुकसान है लोगों के पैसे और जान का। अवैध तरीके से अमेरिका कनाडा जाने के लिए कम से कम 20 लाख और अधिकांश करोड़ों रुपये तक खर्च लगता है, बावजूद उन्हें कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है और कई लोग इस रूट में जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, अधिकांश लोग फिर मैक्सिको या फिर अमेरिका पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, जिसके द्वारा वापस भारत भेज दिए जाते हैं। विक्की कौशल और बोमन ईरानी जी ने और इस फिल्म को छायांकित किया है सीके मुरलीधरन और मानुष नंदन और अमित राय जी ने, और इस फिल्म को संपादित किया है राजकुमार हिरानी ने, और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम जी ने और स्कोर है अमन पंत का। उत्पादन कंपनी है जियो स्टूडियो, रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी की फिल्म है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी रिलीज हुई थी 21 दिसंबर 2023 को देश भारत भाषा हिंदी में। अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 120 करोड़ रुपए का। अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 400.37 करोड़ का। तो फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में आधिकारिक शीर्षक के साथ की गई थी और इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी जो मुंबई, जबलपुर, कश्मीर, बुडापेस्ट, लंदन, जद्दा, नियोम में हुई थी और अप्रैल 2023 में पूरी हुई है। साउंड ट्रैक की रचना प्रीतम ने की थी जबकि अमन पंत ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। सीके मुरलीधरन, मानुष नंदन और अमित राय ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी संभाली है। तो डंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया है। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं और इसने 120 करोड़ रुपए के बजट पर बनी फिल्म है जिसके उत्पादन और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 400.37 करोड़ यूएस 50 मिलियन से अधिक की कमाई की है। यह 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है, जिसे 2023 की नवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की 29वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी है। तो फैंस, बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो सन 2020 में वृद्ध मनु रंधावा यानी कि तापसी पन्नू लंदन के एक अस्पताल से भाग जाते हैं और एक आवर्जन वकील पूर्व पटेल यानी कि देवेन भोजानी से मिलते हैं और वह उससे अपने पूर्व प्रेमी हरदयाल हांडी यानी कि सिंह ढिल्लो यानी कि शाहरुख खान से मिलने में सहायता का अनुरोध करती हैं। पंजाब के लाटू में एक वृद्ध हार्डी 25 साल बाद मनु का फोन पाकर बहुत खुश है और वह उसे दुबई में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग से भारत वापस ला सके क्योंकि उसे भारतीय वीजा नहीं मिल पा रहा है। सन 1995 में मनु और उसके दोस्त बुग्गू यानी कि विक्रम कोचर और बल्ली लाटू में रहते हैं और बेहतर जीवन के लिए लंदन में प्रवास करने के लिए उत्सुक हैं। करीब और अशिक्षित, विभिन्न तरीकों की कोशिश करने के बावजूद वीजा प्राप्त करने
करने में असमर्थ हैं। एक दिन हांडी एक पूर्व सेना अधिकारी उनके गांव में आते हैं और मनु के भाई महिंदर ने युद्ध में उसकी जान बचाई थी और वो अपना निजी सामान वापस करने के लिए वापस आ गए हैं, लेकिन उसे पता चला है कि महिंदर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है जिससे मनु और उसके परिवार की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। हार्डी ने अपने भाई की दयालुता के बदले में मनु को लंदन पहुंचने में मदद करने का वादा किया और उन्होंने बताया कि IELTS परीक्षा पास करने से UK का छात्र वीजा प्राप्त करना आसान हो जाता है, इसीलिए गीतू गुलाटी यानी कि बोमन ईरानी द्वारा पढ़ाए जाने वाले IELTS कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है सुखी यानी कि विक्की कौशल से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका को बचाने के लिए लंदन में बसना चाहता है जिसकी शादी एक NRI व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण करता था और अंत में बल्ली परीक्षा में सफल हो जाता है और बाकी सभी असफल हो जाते हैं। एक बार लंदन में बल्ली ने एक बड़े घर और एक कार के सामने अपनी तस्वीर भेजी जिससे भारत में उसके दोस्तों और परिवार को विश्वास हो गया कि उसने ब्रिटेन में कुछ बड़ा कर लिया है और वो खुशी को यह बताता है कि खुशी के IELTS में असफल होने के बारे में जानने के बाद उसकी पूर्व प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली है जिसके कारण सुखी ने आत्मदाह कर लिया और आहत होकर हांडी ने मनु और बग्गू को डंकी मार्ग से स्वयं लंदन ले जाने का वादा किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान और तुर्की के माध्यम से एक विश्वासघाती यात्रा के बाद जिसके दौरान उनके 300 यात्री मारे गए थे और हार्डी ने मनु को यौन उत्पीड़न से बचाया और अंत में वह लंदन पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात बल्ली से होती है जो एक जीवित मूर्ति के रूप में काम कर रहा है। बल्ली उन्हें अपने साथ उस स्थान पर ले जाता है जहां वो रहता है जहां उन्हें एहसास होता है कि उसने जो तस्वीरें भेजी थी वो झूठी थी और वो वास्तव में UK में अकेले रह रहा है और अन्य कई अवैध लोगों के साथ एक छोटा सा जर्जर घर साझा करता है और अप्रवासी चारपाई बिस्तरों में सोते हैं और पुलिस और अप्रवासन अधिकारियों द्वारा खोजा जाने के लगातार डर में रहते हैं। उनकी मुलाकात एक वकील पुरु पटेल से होती है जो मनु को UK की नागरिकता पाने के आसान तरीके के रूप में दिखावटी विवाह करने की सलाह देता है और मनु सहमत हो जाता है और एक ड्रग एडिक्ट से शादी कर लेता है। चर्च में रहते हुए ड्रग एक्टिव द्वारा मनु को चूमने की कोशिश से हार्डी क्रोधित हो जाता है और वे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जिसके कारण उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत में पुरु उन्हें यह दावा करके देश में रहने के लिए शरण का अधिकार मांगने की सलाह देता है कि भारत में उनका जीवन खतरे में है और एक पूर्व सेना अधिकारी के रूप में हांडी अपने देश के साथ विश्वासघात करने से इनकार करते हैं, लेकिन बाकी लोग शरण पाने और इंग्लैंड में बसने के साथ साधन के रूप में सहमत होते हैं। हार्डी को जल्द ही भारत वापस भेज दिया जाएगा जबकि बाकी ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं। शुरू में लिविंग स्टैचू के रूप में काम कर रहे थे, वर्तमान समय में मनु हांडी से कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है क्योंकि वह ब्रेन ट्यूमर से मर रही है। वह कार्गो कंटेनरों के माध्यम से भारत के लिए रवाना होने की कोशिश करते हैं। वह अंत में आव्रजन अधिकारियों को यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाते हैं कि वह अवैध रूप से लंदन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक थे और इस प्रकार उन्हें भारत भेज दिया जाता है। एक बार जब वे लाटू पहुंचते हैं तो मनु यह जानकर हैरान रह जाती है कि हांडी ने उनके प्यार के कारण कभी शादी नहीं की। हांडी द्वारा उसे प्रपोज करने के कुछ समय ही बाद मनु की बीमारी से मृत्यु हो जाती है और दिवाली की शाम को आतिशबाजी देखते हुए दिल टूट गया। हार्डी ने उसके हाथों में सगाई की अंगूठी डाल दी और उसे गले लगा लिया। और फिल्म का उपसंहार के साथ समाप्त होती है कि लगभग 140 साल दूसरे देशों की यात्रा के लिए कोई वीजा नहीं किया जाता था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में। तो हरदयाल हांडी सिंह ढिल्लों के रूप में शाहरुख खान हैं और मनु रंधावा के रूप में तापसी पन्नू जी हैं। सुखी के रूप में विक्की कौशल हैं और गीतेंद्र गित्तू गुलटी के रूप में और बोमन ईरानी हैं। विक्रम गोचर बलिंदर बुग्गू यानी कि लखनपाल के रूप में हैं और अनिल ग्रोवर बल्ली कक्कड़ के रूप में हैं। ज्योति
सुभाष बुग्गू की दादी के रूप में हैं और देवेन भोजानी एडवोकेट पुरु पटेल के रूप में हैं। मनु के पिता के रूप में मनोज कांत हैं और मनु के बड़े पिता के रूप में अरुण बाली हैं। मनु की मां के रूप में अमरदीप झा हैं। मनु के भाई महेंद्र रंधावा के रूप में सुहेल जरगर हैं और गुलाब नागरा के रूप में विष्णु कौशल हैं। रोहितास गौड़ लाटू में फर्जी वीजा एजेंट के रूप में हैं। भारतीय डंकी एजेंट के रूप में जितेंद्र हुड्डा हैं और सऊदी अरब की डंकी एजेंट बाकिर के रूप में साहिद लतीफ हैं और बुग्गू के पिता के रूप में महावीर भुल्लर हैं और बुग्गी की मां के रूप में शमना शैंड हैं और बल्ली की मां के रूप में जितेंद्र कौर हैं। जेमी हुईल और एक ब्रिटिश न्यायाधीश के रूप में हैं और अतिला अरपा आनंद और लंदन में बुग्गू के प्रबंधक के रूप में हैं। लाटू स्टेशन पर चोर के रूप में निखिल रत्नपार की हैं। सांझा विक्रम सिंह एक दुकान खरीदार के रूप में हैं। लाटू स्टेशन पर सहयात्री के रूप में गुरप्रीत गुग्गी हैं। इन्होंने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास के बारे में। तो सन 2020 के अंत में ये भी बताया गया था कि राजकुमार हिरानी अपने अगले निर्देशन के लिए शाहरुख खान के सकी हिरानी ने उन्हें अपनी फिल्मों में मुन्ना भाई MBBS 2003 और 3 Idiots 2009 में भूमिका की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अगस्त 2021 तक पटकथा पूरी हो गई और अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा की गई थी। तो हिरानी ने अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लो के साथ फिल्म का संलेखन किया। सिनेमेटोग्राफी अमित राय को पहले चुना गया था, लेकिन हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी और उनकी जगह CK मुरलीधरन को मिला था। लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और 3 Idiots और PK 2014 के बाद ये हिरानी के साथ उनका चौथा सहयोग था। रिपोर्टरों के अनुसार मानुष नंदन, अमित राय और कुमार पंकज को फिल्म में छायाकार के रूप में काम करने का अवसर मिला था। तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। तापसी पन्नू को जनवरी 2021 में मुख्य महिला के रूप में चुना गया था, जो शाहरुख खान के साथ उनका पहला ऑन स्क्रीन सहयोग थी। शाहरुख खान की रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म बदला 2019 का निर्माण किया और विक्की कौशल को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। बोमन ईरानी अक्टूबर 2022 में कलाकारों में शामिल हुए और प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी मुंबई में। मुंबई शेड्यूल जून 2022 में समाप्त हुआ और अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल जुलाई 2022 में शुरू हुआ। फिल्मांकन जुलाई 2022 में बूडापेस्ट और लंदन में हुआ था और एक महीने के बाद पूरा हुआ था। शाहरुख खान की विशेषता वाला एक बाइक अनुक्रम अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था और नवंबर 2022 में सऊदी अरब में 12 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जद्दा और नियोम स्थान शामिल थे। दिसंबर 2022 में जबलपुर मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। जनवरी 2023 में शाहरुख खान की विशेषता वाला अंडर वाटर सीक्वेंस मुंबई में फिल्माया गया था। इसी बीच खान जो एक अन्य प्रोजेक्ट जवान पर भी काम कर रहे थे, अप्रैल 2023 में अपनी शूटिंग पूरी की और उसी महीने टीम 4 दिवसीय कार्यक्रम के लिए कश्मीर चली गई थी, जो श्रीनगर, पंपोर, सोनमार्ग सहित थसजावास, गोलियस और पुलवामा में हुई। गणेश आचार्य द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और एक गीत अनुक्रम कश्मीर में फिल्माया गया था। फिल्मांकन अप्रैल 2023 तक सोनमार्ग कश्मीर में पूरा कर लिया गया था। फिल्म की शूटिंग 75 दिनों में की गई थी, जिसमें शाहरुख खान 60 दिनों तक शूटिंग की थी। कथित तौर पर फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपये है, जिसमें मार्केटिंग लागत भी शामिल है और इस फिल्म का साउंडट्रैक प्रीतम द्वारा रचित है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमन पंत द्वारा रचित है। पहला एकल शीर्षक लुट पुट गया 22 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक निकले दा कभी हम घर से 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। तीसरा एकल ओ माई शीर्षक, जिसे 11 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। चौथा एकल शीर्षक बांदा में 18 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था और पांचवा एकल शीर्षक चल वे वतन और छठा एकल शीर्षक मैं तेरा रास्ता था देखूंगा और साउंडट्रैक एल्बम के साथ 20 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 लुट पुट गया, इसे स्वानंद किरकिरे और अभिजीत सिंह ने गाया है। नंबर 2 निकले थे कभी हम घर से, इसे जावेद अख्तर और सोनू निगम जी ने गाया है। नंबर 3 हे माही, इसे इरशाद कामिल और अभिजीत सिंह ने गाया है। नंबर 4 चल वे वतना, इसे अरुण ग्रोवर और जावेद अली दिलजीत दोझांस ने गाया है। नंबर 5 बांदा, इसे
दिलजीत दोंझासनी गाया है। नंबर 6 मैं तेरा रास्ता देखूंगा, इसे अभिजीत भट्टाचार्य और विशाल मिश्रा, श्रेया घोषाल, सादा फरीदी और अल्तमस फरीदी जी ने गाया है। नंबर 7 मैं तेरा रास्ता देखूंगा, इसे गाया है सादा फरीदी, अल्तमस फरीदी ने। नंबर 8 वाहेगुरु, इसे गाया है अजय बिजली ने। तो इस फिल्म का टीजर डंकी ड्रब ने एक शीर्षक से 2 नवंबर 2023 को शाहरुख खान ने 98वें जन्मदिन के अवसर पर जारी किया था। 8 ड्रब्स थे और एक के बाद एक जारी किए गए थे। ड्रब 2 को 22 नवंबर को लुट पुट गया गाने के रूप में रिलीज किया गया था। ड्रब 3 को 1 दिसंबर को निकले थे कभी हम घर से गाने के रूप में रिलीज किया गया था। फिल्म का ट्रेलर उनकी डंकी टॉप 4 और 5 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। ड्रॉप 5 को 11 दिसंबर को ओ माई गाने के रूप में रिलीज किया गया था। 17 दिसंबर को दुबई में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ड्रॉप 6 को 18 दिसंबर बांदा में गाने के रूप में रिलीज किया गया था। ड्रॉप 7 और ड्रॉप 8 को 20 दिसंबर को चल वे वतना और मैं तेरा रास्ता देखूंगा गाने के रूप में रिलीज किया गया था। तो डंकी को नाटकीय रूप से 21 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म को 2024 तक स्थगित करने की